अरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है और उन सब सातवें अध्याय को अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कल हमने 9 श्लोक पूरे कर दिए थे और आज हम 10वें से चालू करेंगे। ठीक है, और जस्ट रिवीजन के लिए भगवान सातवें के स्टार्टिंग में क्या चीज़ के बारे में बताते हैं, कौन रिवाइज करेगा? शुरुआत में क्या बताते हैं, पहले कुछ लोगों में क्या बताते हैं? 9 श्लोकों के बारे में, हाँ वो ये बताते हैं कि जो ये साइकिल है ना, कौन सा? ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो ये जो कनेक्शन है वो भगवान बताते हैं। क्या कहते हैं भगवान? कि ये भूमिर अपो अननो वायु हम धीरे वजह, ये 8 जिसमें 5 स्थूल है और 3 सूक्ष्म है। स्थूल कौन से हैं? पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और खम, ये 5। और सूक्ष्म कौन से हैं? 3 हैं, मन बुद्धि अहंकार। इन्हीं को विस्तार करके जब कर्मेंद्र ज्ञानेंद्र इनसे जोड़ दीजिए तो बन जाएगा 24। उसमें और 4 13.7 की 4 और डाल दीजिए तो बन जाएगा 28। ठीक है, तो ये इधर हो गया। अब वो कह रहे हैं ये 7.4 में कहते, कौन से में? 7.5 में, और इधर का संबंध ही बताते हैं। क्या कहते हैं? अपरेयामितस्तु अन्यम प्रकृति विद्धि में पराम, ये मेरा परा प्रकृति है, ये भी जीव भी क्या है? प्रकृति है। ये भी क्या है? प्रकृति। ये क्या है? अपरा। अपरा यानी अचेतन है ये, अपने आप में चेतन नहीं है। इसमें जब भगवान प्रवेश करते हैं उस प्लांट्स का, उसमें जीव डालते हैं और जीव की इच्छा से फॉर्मेशंस बनते हैं, तो ये अपरा है। अपरेयम इतस्तु अन्यम, और एक है अन्यम, इसी प्रकृति में और एक है। कौन? प्रकृति अन्यम, प्रकृति विधि में पराम, में पराम क्या है ये? में पराम जीव भूत महाबाहो ये दम धारयते जगत, इस जगत को चलाने वाला यही जीव है, इधर चलाने वाला वैसे कंट्रोलर ये है। पर ये कंट्रोल भी क्यों, किसके लिए क्या कर रहे हैं? जैसे माँ, जो माँ क्या करती है, घर में बर्तन वगैरह होते, खिलौने होते हैं ना, उनको भी रोज सरिया के रखती है। रोज बच्चा क्या करता है, उसको उठा के यहाँ डाल देगा, गाड़ी को ड्र करके वहां फेंक देगा। हाँ, हम एक भक्त के घर पे गए तो उनके पास प्लास्टिक के बंदूक थे, आ इतना कलेक्शन था उस बच्चे के पास। अब प्लास्टिक की गन से गोलियां मारा, ढुचुप ढुचुप। पहले मुझे डर लगा, केशव को बोले मार, कॉन्फिडेंस था शायद प्लास्टिक के अंदर, बोला कुछ होगा लगा रहे। तो वैसे हम क्या करते हैं, जीव क्या करता है, इस संसार की चीजों की इच्छा करता है, खिलौनों के रूप में सब आता है और आप भोग करने में लगे रहते हो, उसमें सुख मनाते हो, कभी दुख मनाते हो, कभी जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है ये क्या है? क्रिकेट का ग्राउंड है, 3 स्टंप इधर, ये बैटिंग कर रहे हैं, एक बंदा बैटिंग कर रहा है, एक बॉलिंग कर रहा है। अभी ये जो बैट्समैन रन बनाता है ना, तो इसको लिखा है कि इसने इतने सारे सेंचुरी मारे, 40 सेंचुरी, 3 नंबर का बैट्समैन है ये, या किसी ने 100 सेंचुरी मारे, बैट ऐसा करता है एकदम अच्छा, या अपनी डार्लिंग वार्लिंग को देता है, कुछ लोग बाउंड्री वाउंड्री मारते ऐसे बॉलर को पुनस दे रहे कर दिया ना। अब एक बताओ मेरे को, देखो ये ग्राउंड तो पहले भी था, ग्राउंड पहले भी था कि नहीं? ये मैच कितना समझो 10 बजे चालू होना था, उससे पहले भी ग्राउंड था, था बैट्समैन था, बॉलर था, उससे पहले भी वो भाग सकता था। जो बैट्समैन भागता है ना यहाँ से वहां, यहाँ से दोनों बैट्समैन भागते रहते हैं, वो रन गिने जाते हैं क्या? नहीं। तो रन कब गिने जाते हैं? रन तब गिने जाएंगे जब ये बॉलर भी नियम, एक ओपोनेंट टीम होगा तब ना गेम खेला जाएगा। तो एक ओपोनेंट जरूरी है, उस ओपोनेंट और आपके बीच में भी नियम होना है। ये नहीं कि पता ना बॉलर के कपार फाड़ दिए, वो गेम नहीं है। गेम क्या है? गेम ये है कि आप इस क्रीज के अंदर रहोगे, क्रीज के बाहर के पीछे वाले ने आपको स्टंप उड़ा दिया तो आप आउट हो जाओगे।
आपने हवा में मार दिया और किसी ने पकड़ लिया तो आउट हो जाओगे, लेकिन अगर आपने मार दिया बाउंड्री लाइन के बाहर गए तो क्या हो जाएगा, 6 रन मिलेंगे आपको। तो ये सारा नियमावली आपके दिमाग में फिट कर दिया है, देखो 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 ये सब है, और ये नियमावली निर्णय कर रहे हैं ओपोनेंट के पास भी वही नियमावली है, उसमें किसने ज्यादा पॉइंट्स लाया या ज्यादा रन बनाया या ज्यादा कम विकेट में खेला या जो सबसे ज्यादा कर दिए लास्ट तक वो विनर हो जाता है। असली वो विनर होता है क्या? नहीं। वो विनर क्या चीज ने डिसाइड किया? जैसे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का फाइनल होता मालूम है वर्ल्ड कप में, वैसे देखा गया तो न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, इंग्लैंड ने ज्यादा बाउंड्री मारे थे करके उसको वर्ल्ड कप दे दिया। ले लो, जब ये दोनों भी इक्वल हो गए तो लास्ट में कोई तो एक नियम होता है उसे जीत जाता है। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं, क्रिस तो पहले भी था, ग्राउंड पहले भी था, लेकिन वो आनंद और दुख कहां से आया? इससे आया। वैसे ही इस प्रकृति में इस जीव को सुख और दुख किससे आता है? प्रकृति तो पहले भी थी, आज भी है। अच्छा मुझे बताओ, बारिश हर बार होता है कि नहीं होता है? हर साल बारिश होता है कि नहीं? लेकिन देखो बारिश में मजा कब आता है मालूम है? ऐसे नहीं कि आप खुले बारिश में बस नहा रहे तो सर्दी से फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आप उतना भी आनंद नहीं ले सकते। बारिश में मजा आता है जब आप ऐसे छाता लेके ना साइड से थोड़ा सा, मतलब भीगना भी और भीगना नहीं भी, समझ रहे ना? ना थोड़ा नीचे भीग जाता तो धोती पर कर लेते हैं नो, या कोई है तो नो पैंट फोल्ड कर लेता है ना? वो एक मतलब वो जीव का आनंद क्या लेना चाहते मालूम है? मतलब पानी में जाके गीला नहीं होना, उसका आनंद लेना चाहते हो, या फिर वो इस दुख के सागर में जाके सुख खोजना? मतलब बारिश बुरा हो रहा है लेकिन हम भीगेंगे नहीं, देख ओ ओ तब तो गाड़ी आते तो ऐसा मारता है, ए दुख हो गया। दुख इसका हुआ कि मैंने छाता पकड़ा फिर भी गीला हो गया, दुख उसने पानी मारा इसका नहीं है, बात समझ रहे हो? तो हमारा भी जीव का क्या हो गया है? ये पराशक्ति, वो ये नियमों के एक्चुअली उसको नियम नहीं समझो, कोई बोलेगा मैं नहीं मानता नियम, तो बस इतना ही है कि उसको क्रिकेट ग्राउंड में खेलने के लिए नहीं बुलाया जाएगा, जब खेल खत्म हो जाएगा तो आपको घूमने के लिए बुलाया जाएगा। जैसे जो क्रिकेट ग्राउंड का मालिक होता है या कोई होता है वो अपने टहलते रहता है सुबह जॉगिंग करता है, उसको वो भी उतना ही भागता है बाउंड्री पे, उसको थोड़ी रन मिलते हैं। तो एक्चुअली भगवान ने क्या किया, जीव को बांध के रखने के लिए प्रकृति के अपने नियम है। आप एक से ज्यादा भोग नहीं कर सकते, आप ज्यादा त्याग भी नहीं कर सकते, आप ज्यादा क्या बोलते हैं उसको किसी को तकलीफ भी नहीं दे सकते एक लेवल के बाद। लाइक चोर लोग होता है ना, उनको पुलिस पकड़ता है जब बजाता है जो सट बताओ कौन कौन था तुम्हारे साथ इस चोरी में, तो जब नया नया चोर रहता है ना नया नॉन सीजन, अंकल मैं अकेले सबसे तो चारों को लाते, बच्चे रहते उनको एक दो मारा ना सब बक देते कि हमने इतना बजे तोड़ा, हमको गुस्सा आ गया था, या वो सब को बोल देते। लेकिन उसमें तो सीजन चोर हो जाता है ना वो तो बोलता है पुलिस के जाना है, खुद चले जाते हैं, बोला साहब वो खुद ही कपड़े बोलते मारो, लेकिन बताएगा नहीं, वो सीजन होता है। वैसे ये जीव है ना, ये धीरे धीरे इसको इसलिए कंडीशन कहा जाता है, इसको धीरे धीरे ना ये बिविल्डरमेंट ही आनंद देने लगता है। जैसे आप लोगों को एडलैब्स मैजिक का या एसएल वर्ल्ड ये सब सुना है, आप लोग गए नहीं है लेकिन ऑनलाइन वाले गए होंगे या ऑनलाइन के दोस्त लोग गए होंगे, कोई तो गया होगा, तो उसमें क्या रहता है वो घसर गुंडी रहता है ऊपर से गिरता है कैसे बहुत ऊंचाई पर रहता है वो एक्चुअली वो गिरता नहीं, वो जो हैंडल है ना आप उसमें आपको बेल्ट वेल्ट लगा देते आप कभी नहीं गिरोगे 99% अगर कुछ नहीं तो सब ठीक ठाक है तो आप नहीं गिरोगे। तो उसमें आप क्या करते हो पकड़ के करते हो, लेकिन एक्चुअली ना उसमें बड़ा टेंशन रहता है कि मैं गिरूंगा ऐसा भी रहता है डर, लेकिन उस डर के अंदर नहीं गिरने का जो आनंद है उसमें लोग लेने जाते हैं, वो बेसिक टिपिकल प्रकृति का आनंद लेने के जैसा है। देखा छोटे बच्चों को ऐसा बोल रहा है निकालो, बैठने कौन बोला तेरे को वो निकालो नहीं बोल रहा है, बोले मम्मी मजा आ रहा है, अब समझ रहे हो? तो ये जो दुविधा वाला अवस्था है ना इसका मजा आदमी लेता है, समझ रहे हो?
जैसे जानता है कि शादी बहुत बर्बादी होगा, फिर भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी करूंगा। वो जानता है कि मैं इस प्रकृति में भोग करने जाऊंगा, क्या होगा, कुछ ना कुछ मेरे साथ पंगा होगा। वो जानता है जब ज्यादा खाता है ना, उसको मालूम है इसको ज्यादा खाने से फिर पेट में प्रॉब्लम होगा, बीमारी गिर सकता है, लेकिन फिर भी रुका नहीं जाता, समझा ना। तो ये ऐसे जाल में जीव क्या है, अपरेयाम इतस्तु अन्यम प्रकृति विधि में पराम, में पराम मेरा है, जीवभूत महाबाहो यदम दारे दे जगत, ये इसके अंदर घुसा हुआ, समझा। तो ये मैंने आपको कल समझाया था, कल मैं बोर्ड यूज नहीं कर पाया था। तो बेसिकली जीव इसके अंदर आश्रय ले चुका है, और इतना ले चुका है कि वो भूल गया कि उसका यहां से सातवें के चौथे में क्या लिखा है, में क्या लिखा है, भिन्ना प्रकृति में जीव भूत में, ये किसके हैं दोनों, मेरे, संस्कृत में मे मीन्स माइन, तुम मेरे हो। और ये पावरफुल क्यों है, क्योंकि ये चेतन है, ये अचेतन, अचेतन है, और ये इसके वजह से ये एक्टिव हो जाता है, इसलिए ये सुपीरियर माना गया है। और ये जब चाहे अपनी चेतना को यहां लगा के यहां से गायब हो सकता है। लेकिन आप सूर्य को देख रहे हैं तो परछाई नहीं दिखेगा, लेकिन अब वो परछाई दिख रहे हैं मतलब सूर्य के अलग है, तो अगर परछाई से बचना ही है तो अरे हटाओ मेरा परछाई ठीक नहीं दिख रहा, उससे कुछ फायदा नहीं है। अब क्या करना होगा, तो कई लोग इस संसार के चीजों को सुधारने में लगे रहते हैं, जैसे लोग क्रिकेट के नियमों को सुधारने में लगे रहते कि ऐसे नियम होगा, नो बॉल में फ्री हिट होगा, लास्ट में गेम वही का वही बचता है, एक टीम जीतता है एक टीम हारता है, आप नियम कितना भी बदल दो किसी टीम को फायदा नहीं होता है। वैसे ही प्रकृति में आप जाके नियम बदल दोगे, सबको लगता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा तो मैं ऐसे नियम लाऊंगा कि जिससे रोड जो है स्मूथ हो जाएगा, अरे लेकिन दिमाग कैसे स्मूथ होगा लोगों का, रोड स्मूथ होगा दिमाग खराब रहेगा, जोर से भगाएगा गाड़ी मरेगा, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हिलने लगता है, कार को आप 200-250 पे ले जाओ वाइब्रेट भौंक करके उठ जाएगा, अपने आप उठ जाएगा, उसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आप कोई भी चीज का एक लिमिट की बात नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो कि लोग बोलते हैं रॉकेट इतने स्पीड से जाते हैं, उसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लोग कभी नहीं बता सकते, उसका हम कॉस्मोलॉजी में अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, तो ये समझ में आया आपको बेसिकली ये क्या कहा है भगवान ने। फिर भगवान ने कहा आगे क्या कहा, पांचवें छठे में क्या कहा, देखो तो जगत प्रभाव प्रलय, तो मैं ही क्या हूँ, मैं इन दोनों का प्रभाव भी हूँ और प्रलय भी मैं ही हूँ। तो प्रभाव क्यों हूँ, क्योंकि मैं एक सिंपल जो आप लोग नए लोग हैं वो नहीं जानते हैं कि ये जो ब्रह्मांड, ये जो जगत है, प्रकृति की जगत हो रही है, ये टोटल महातत्व से बना हुआ है, और उसमें महाविष्णु जो है लेटे हैं, इनकी सांस से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, पोर्स जो पोर्स है उनसे, और ये ब्रह्मांड इनके सांस निकलने से निकलते हैं और सांस लेने से अंदर जाते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड है, तो इसके अंदर जो जीव होते हैं, अब ये एक ब्रह्मांड देखा गया तो इसमें पूरा भूमंडल है, पूरे ऊपर के लोक हैं, नीचे के लोक हैं, इधर गर्भोदक पोषण, गर्भोदक्षाय विष्णु है, इनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी ऊपर उतर रहते हैं, हाँ। तो ये जो है कनेक्शन, इसमें जितने जीव असंख्य आप गिन ही नहीं सकते, आप हमारे मनुष्य नहीं गिन सकते, कुत्ते बिल्ली प्राणी ये नहीं हम गिन सकते। तो वो कह रहे हैं कि एक्चुअली इस ये सृष्टि का भी तीन प्रलय होता है, एक कल्प, विकल्प और महाकल्प, वो हम लोग हमारे कॉस्मोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन तीन बार प्रलय होता है, ब्रह्मा जी के 12 घंटे बाद, और फिर वो मनवंतर के बाद, और फिर ब्रह्मा जी का टाइम खत्म हो जाता है, तभी सांस अंदर ले लेते हैं, समझ में आया। तो ये तीन डिस्ट्रक्शन रहता है, तो भगवान कहते हैं तभी भी ये कहाँ प्रवेश करते हैं, सब कहाँ चले जाते हैं, और ये जीव कहाँ जाते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, ये दोनों, इन दोनों का उद्गम भी मैं ही हूं और प्रलय भी मैं। और क्या है सातवां, क्या था फिर,
मत्ता परंतरम नान्य इति दृष्टि धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे सूत्रे मणि गणायो ये एक्चुअली मैं ही मुझसे बड़ा और कोई नहीं। हमने बहुत सारे रेफरेंसेस भी देखे, अब टाइम नहीं है, हमने कल देख लिया था कल के क्लास में। फिर आठवें से लेके वो क्या पढ़ाना चालू करते हैं, भगवान बोलना चालू करते हैं विभूति के बारे में, विभूति कि इधर तुम मुझे कैसे जान सकते हो। तो हमने देखा था कौन सा जल में, हाँ रसोहम अप्सु कौन्तेय, कि मैं क्या हूँ जल में स्वाद, जल का स्वाद मैं हूँ। तो बेसिकली वो क्या कह, जो ओरिजिनल फॉर्म है कोई भी चीज का वो कौन है, मैं हूँ। उसका जो मेन एसेंस है वो कौन है, मैं हूँ, इसको विभूति भी कहते हैं। ठीक है, तो अब अव्यक्तवादी इस चीज को देखते हुए भगवान को जान सकते हैं, और व्यक्तिवादी जानते हैं कि वो है तो सही पर किसके कारण है, ईश्वर व्यक्ति के कारण। ठीक, तो ये दोनों में फर्क फिर प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो उसी के लाइन में हमने फिर पृथ्वी वो अर्थ का फ्रेग्रेंस देखा, फिर और क्या था उसमें फायर, हीट, हाँ हीट इन फायर, और हमने कौन सा अग्नि देखा था, अरे जठर अग्नि, हाँ अपने पेट में जो हम खाते हैं। तो आप देखिएगा इंडाइजेशन किसको होता है, जठराग्नि नहीं है और आप खा लीजिए तो आपको देखिए एकदम मतलब बहुत एनर्जी लगता है, तो भूख लगे और तब खाइए तो बहुत हेल्दी फील होता है। तो विजय बीमार है क्या, विजय हाँ वो तो ठीक है, समझ में आया। तो आज 10वां श्लोक करेंगे ना, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ठीक है, अभी उसी लाइन में अभी भी विभूति बात चल रही है, 12 तक विभूति चलेगा, 12 तक है ना विभूति। अब आएगा बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। देखिए इस वर्ड से ही समझ में आ जाता है, बीजं सर्वभूतानां मतलब क्या, सारे जीवों का, भूत यानी भूत नहीं होते, भूत यानी जीवों को भूत कहा जाता है। हाँ बीजं मां मैं क्या हूँ, बीज मही, बीज मही वो सीड हूँ। फिर कहते हैं कि मैं सभी जीवों का आदि बीज हूँ। फिर बुद्धि बुद्धि बुद्धिमतामस्मि यानी बुद्धिमानों की बुद्धि, सिंपल एकदम सिंपल है। तेजस तेजस्विनामहम् तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं। आप जब इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं, देखो हम लोग है ना एक्चुअली डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग भगवान को ही खोज रहे हैं। कैसे, कोई भी तेजस्वी व्यक्ति दिखता है तो हम क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, अरे क्या गाता है वो, मैं फिदा हो गया हूं। हाँ जैसे वो कौन एक सिंगर थी, वो गाती थी ना, उसका पूरा साउथ में लोग फेमस, वो कहना ही क्या, वो कौन गाती है एक मोटी मोटी माता जी, चित्रा है उसका नाम है उसका, बहुत अच्छा गाती है, तो लोग उसके फैन होते हैं। वो जब गाती है तो सब एकदम मतलब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक्चुअली उसके ऊपर कोई मंत्रमुग्ध नहीं है, उसके गाने, तो वो कला कौन है, तो गुण जो है ये किसी गुणी के इसके हैं भगवान, और वो गुण इस जीव को जब यहाँ पे वो प्रकट होता है तो भगवान हर एक को थोड़ा थोड़ा दिखे रखते हैं। इसलिए कोई भी जीव है ना, हर जीव यूनिक है, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको मतलब ऐसा बोल सकता है कि उसके पास कोई गुण नहीं है, वो बस खोजेगा तो उसको कोई गुण मिलेगा। समझ रहे, हमको लगता है कि उसमें कोई टैलेंट नहीं है, सब में है वो, लेकिन आया कहाँ से, भगवान से। हाँ तो इसलिए वो कृतज्ञता कहाँ रखनी चाहिए, वो असली भक्त है जो जानता है कि ये किसके वजह से है, इनके वजह से है, तो इनसे वो प्रेम करता है कि आपने मुझे दिया। और स्वार्थी क्या करता है, ये मेरा है, वो प्राइड करता है, आई एम द बेस्ट सिंगर, मैं बेस्ट एक्टर हूँ। उसको लगता है मैं ही किया हूँ सब, तो ऐसा रहता है। तो लोग तो वो फिर क्या है कि वो कृतघ्न हो जाता है, उसको लगता है मैं ही सब किया हूँ। या कोई बहुत अच्छा चेस प्लेयर है, बुद्धिमान, उसको मालूम है बुद्धि कहाँ से है,
जो पहले भी बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे, शास्त्रों को समझने के लिए आसान नहीं है उतना, वो तर्क चाहिए, लेकिन वो जानते थे कि माता सरस्वती देवता है और भगवान विष्णु जो है इन्हीं की कृपा से ये प्राप्त होता है, तो फूल अर्पण करते थे, प्रणाम करते थे, फिर वो किसी कार्य के लिए जाते थे। वो जानते थे कि जो भी हो रहा है उसका यहाँ एक दैवत है और यहाँ परम मूल है, जिसका विषय इस अध्याय के अंत में होगा, अगला अध्याय ही उसके ऊपर होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ प्रभुपाद जी समझाते हैं कि 8,84,00,000 योनियां है, कितने हैं? 84,00,000। हाँ, तो उसमें कहते हैं सीड इज कृष्णा एज इट फ्रक्टिफाइज इनटू वेरियस लिविंग एंटिटीज, यानी जितने भी ये 84,00,000 योनियां इधर है उनमें ये अलग अलग योनियां जो है, ये अलग अलग कैटेगरी, जैसे कान बड़ा नाक बड़ा, कि कोई मुंह से पावरफुल है, कान से, कोई पूंछ से, एक सांप है वो पूंछ से मरते हैं और दांत से नहीं काटते, पचक टुक है। तो ये अलग अलग है। अब वही चीटी देखो करता क्या पता नहीं, इतना सा है कुछ करके जाता काटता है वो, हाथी को काटता हाथी तो मर जाता, कान में काट दिए तो। मतलब एक भगवान ने हर एक जीव को, अब ये मॉडर्न साइंस तो और बकलोल है, ये लोग बोलता है कि सांप को कान नहीं है, तो सुनता कैसे है? सुनता है वो, अगर सांप ऐसे है तुम लोग हिलो नहीं और बोलो हट तो चला जाएगा, उसको मालूम है यहाँ पे कोई है। तो मॉडर्न साइंस इतना अनाड़ी है ना, जब तक देखेगा नहीं कान खोल के सांप का तो मानेगा नहीं। तो ऐसे सांप लोग उधर छोड़ देना चाहिए, बोले तुम लोग साइलेंट रहो फिर काटेगा तो समझेगा। तो ये 84,00,000 योनियां है। तो एक्चुअली 84,00,000 योनियों का मैंने एक जगह ब्रेकअप लिखा है, एक बार मैं देखता हूँ कहाँ लिखा है, मैं आपको दे देता हूँ। हाँ ये लीजिए, ये पद्म पुराण में आता है, तो लिख लीजिए आपके काम आएगा, आगे भी वर्णन आता है तो उसको लिखते हैं। हाँ ऐसा कहते हैं जलजा नव लक्षाणी, क्या कहते हैं? तो जलजा यानी एक्वेटिक्स, पद्म पुराण में आता है जलजा नव लक्षाणी, नव लक्ष यानी 9,00,000 योनियां होती है जलचर प्राणियों की। हाँ यानी मछली जो भी, अब समझिए 9,00,000 काउंटिंग नहीं, 9,00,000 वैरायटी, एक वैरायटी के अनगिनत हो सकते हैं, उसको आप गिन नहीं सकते, इन वैरायटी की बात हो। जलजा नव लक्षाणी कहते हैं स्थावर, स्थावर लक्ष विंशति, स्थावर यानी प्लांट्स एंड ट्रीज, स्थावर ये हिलते नहीं ना, ये जगह पे रहते हैं। लक्ष विंशति यानी 20,000 सॉरी, ये कितने हैं? देखो मॉडर्न लोग नेशनल डिस्कवरी चैनल, ये चैनल वो चैनल करके एक एक दो दो चीज खोजते हैं, यहाँ डायरेक्ट शास्त्रों में एक साथ सब दे दिए कितने चाहिए। क्रमह रुद्र संख्या कहा, यानी रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स होते ना, कीड़े, कीड़े और जो रेंगने वाले प्राणी हैं वो क्रमह रुद्र संख्या कहा 11,00,000 है, कितने? 11,00,000। पक्षिणाम दश लक्षणम, पक्षी कितने हैं? 10,00,000। त्रिमिशल लक्षाणी पशवः, जो पशु है यानी फोर लेगेड एनिमल्स, आप समझ लीजिए कितने हैं? 30,00,000। और चतुर लक्षाणी तो कहा गया है, ये इसका ब्रेकअप है, ठीक है, आप लोग इसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतने वैरायटी हैं, 4,00,000 जो मनुष्य हैं, तो ये सिर्फ मनुष्य नहीं है, जितने भी टू लेगेड लोग हैं यानी जितने भी प्राणियों के ऊपर जितने भी योनियां हैं, देवताओं से लेके मनुष्य से लेके जितने भी ये सब योनियां, ये मिला के 4,00,000 है। उसमें भी मनुष्य के भी बहुत सारे कॉन्शियसनेस के ग्रेडेशन होते हैं,
उसमें भी इसका काउंटिंग आता है, तो ऐसा है इसमें देवता लोगों की काउंटिंग सब आ जाएगा, सब तुम्हारे पूर्वज भी आ जाएंगे। ठीक है, समझ में? तो इतने सारे योनियों का फॉर्मेशन कहां से होता है? भगवान कह रहे हैं उनका बीज कौन है? ठीक है, फिर तो प्रॉपर तात्पर्य में लिखते हैं यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते, द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ इज दैट फ्रॉम विच एवरीथिंग इज बॉर्न, एक रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो जैसे ऐसे कहा गया है कि जैसे पेड़ का मूल है वो पेड़ को पकड़ के रखता है, तो वैसे भगवान भी क्या हर चीज के मूल हैं, और इसलिए बुद्धि के भी मूल कौन है? भगवान है, जिससे आप किसको समझ सकते हो? ठीक, ग्यारहवा खोलिए। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि वरदर्शभा, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो भगवान यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि जो भी स्ट्रांग है उसका स्ट्रेंथ कौन है, उसका ताकत कौन है? मैं हूँ। देखो अर्जुन जो थे वो गए थे ना उनकी रानियों को लाने के लिए, तो ये नॉर्मल लोगों ने उनको हरा दिया, उनको सब समझ में आया कि मेरा असली शक्ति कौन थे, वो भगवान कृष्ण ने दिया था। जब रथ ना वैसे कहते हैं उनका रथ को तो इतने आघात हुए थे, वो तो भगवान बैठे थे इसलिए वो बचा था, हाँ नहीं तो अर्जुन का तो क्या हाल था। भगवान की वजह से ही सब बचते हैं, तो इसलिए हमको इसके मतलब क्या हुआ, हमको किसकी शरण के लिए मुझे? देखो वैसे भी वो किसका है जो आपके पास है? नहीं का है। ठीक है, और फिर वो कहते हैं आई एम सेक्स लाइफ विच इज contrary to religious principles. अरे मेरे को पेन देना, मैं नॉट कॉन्ट्री को मैंने कॉन्ट्री नहीं किया। नॉट कॉन्ट्री टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स ओ लॉर्ड ऑफ भारत, ये ले लो। तो यहाँ कहा है कि जो काम है यानी जो जैसे कुछ है प्राणी वो देख के ही जन्म दे देते हैं, कोई एक का आंसू पी के कर लेते हैं, हाँ तो हर एक का अपना अपना करने का कार्य है। जैसे कल तो उसको प्रोक्रिएशन बोलते हैं ना, तो इसमें क्या बोलेंगे हिंदी में, यानी जो आगे बढ़ाने का, हाँ संतति, हाँ प्रजनन शक्ति या जो भी, तो ये जो है वंश वृद्धि, हाँ वो वंश तो फिर भी मनुष्य में आ गया, वो ये सब में आएगा, तो जो भी है तो बेसिकली वो करने का जो शक्ति है। तो भगवान कहते हैं जब आप उसको धार्मिक रूप से करते हो यानी केवल पत्नी के साथ संबंध रखते हो तो क्या आएगा, तो वो धर्म कहलाएगा। और भगवान कहते हैं वो मैं, वो शक्ति कौन हूं? मैं, क्योंकि ऐसे तो काम वासना उपभोग करने वाले बहुत सारे लोग, बहुत सारे जीव हैं जो यही करते ही है। ऐसे कहा गया, मैं कल मनुस्मृति परसों पढ़ रहा था क्योंकि प्रभात आगे कुछ लिखते थे इसलिए पढ़ रहा था खोल के सेक्शन, उसमें लिखा है कि अगर कोई ऐसा करता है पर स्त्री के साथ व्यवहार करता है तो उसके अलग धुलाई है नरक में, अलग स्पेशल धुलाई। हमको लगता है सो वाच यू नो हु केयर्स हु सीज, जो देख रहा है वो तो मारेगा तेरे को, जो नहीं देख रहा चलो ठीक है, लेकिन देखने वाले 12 साक्षी हैं। तो धर्म का कैसा होता है कि जब आप धार्मिक नियमों से पालन करते हो ना, तो एक्चुअली फिर भगवान कहते हैं वो ये शक्ति मैंने ही दे के रखा है ताकि वो क्रिएशन आगे बढ़े, लेकिन अगर आप उसको केवल भोग के लिए करते हो तो बंधन कारक बन जाएगा, क्या बन जाएगा? अधर्म हो जाएगा, वो बंधन कारक हो जाएगा। ठीक है, और वो कहते हैं कि इससे क्या होगा, इसके बाद आपका कर्तव्य है कि उन्हीं बच्चों को कृष्ण भावना भावित बनाना, उनको धर्म का मार्ग दिखाना। ठीक है, हरे कृष्ण। बारहवा खोलिए, ये चैव सात्विका भावा राजस राजसास्तामसाश्च ये मत्त एव इति तान् विद्धि न त्वं तेषु न त्वहं तेषु ते मयि, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतुगुण हो रजोगुण हो या तमोगुण हो, एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ किंतु मैं हूँ स्वतंत्र, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ अपितु वे मेरे अधीन हैं।
इससे क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? भगवान तीनों गुणों से परे है। तो उस तीन गुणों से परे को जानने के लिए आपको भी क्या करना पड़ेगा? तीन गुणों से परे होना होगा, तीन गुणों के प्रभाव में नहीं रहना होगा, यानी इस माया के प्रभाव से अपने आप को इस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जाना होगा। माया के माध्यम से आप भगवान को नहीं जान सकते। जैसे कई लोग क्या करते हैं कभी कभी कि जैसे वो कभी कभी गुडनेस में रहते हैं, बहुत ही उत्साह, बहुत ही मतलब सुबह उठ जाते हैं, फ्रेश रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं, और उन्हें लगता है कि हाँ भगवान भी ऐसे होंगे। तो ऐसे लोग जब बोलते हैं ना कि भगवान वराह रूप में आए, हैं भगवान सुअर के रूप में आए, आई कैंट बिलीव। कुछ लोग बहुत मॉरलिस्ट होते हैं, ऐसे होना चाहिए, नियम से होना चाहिए, व्यक्ति जो है वो धर्मपरायण होना चाहिए, उसकी अपनी व्याख्या होती है। तो वो व्यक्ति क्या बोलता है जब देखते हैं कृष्ण ने गोपियों के साथ इतने रासलीला की है, वो बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं, फिर ये भगवान नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने भगवान को किसके माध्यम से जानने का प्रयास किया? गुणों के माध्यम से। तो गुणों के माध्यम से जानिएगा तो फिर कहीं ना कहीं आप फंस जाइएगा, कहीं ना कहीं आप रिजेक्ट करने लगिएगा। तो भगवान की क्रियाकलापों को गुणों से परे समझना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी क्या कह रहे हैं, ये तीनों गुण मेरे ही अधीन है, मैं इनके अंदर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आता है जैसे, और इसलिए यहाँ पे तात्पर्य में एक शब्द लिखा हुआ है। क्या शब्द है? निर्गुण। क्या कहा है? निर्गुण का मतलब मोड्स फ्रॉम हिम एंड येट नॉट अफेक्टेड। भगवान निर्गुण है, निगुण है, यानी निगुण करोगे तो क्या संधि बनेगा? निर्गुण। तो भगवान गुणों के परे हैं, इसलिए उनको निर्गुण कहा गया है। कुछ लोग क्या करते हैं, गुण का मतलब यानी क्या क्वालिटी, वो कहते हैं भगवान निर्गुण है, यानी उनको कोई क्वालिटी नहीं है, बात समझे? मतलब वो ऐसा लीला वीला नहीं कर सकते, वो एकदम अलग। तो ये इमेजिनेशन है उनका। क्या है? इमेजिनेशन है, क्योंकि भगवान के गुणों का ही तो वर्णन पूरे शास्त्र में है ना, तो ये उनका अपना इमेजिनेशन। तो यहाँ पे निर्गुण का वो कहा गया। और देखो गुडनेस जो है, सत्वगुण जो है वो इंद्रिय मन नियंत्रण और देवताओं में पाया जाता है। रजोगुण जो है वो काम में, अहंकार में, असुरों में पाया जाता है, जैसे हिरण्यकशिपु। तमोगुण जो है वो लैमेंटेशन, यानी हर बार आदमी दुखी रहता है, रोते रहता है। देखो तमोगुण मतलब कौन मालूम है? हर बार आप कंप्लेंट ही करते रहते हैं, लैमेंटेशन, रोते रहते हैं। हाँ इल्यूजन, इल्यूजन यानी भ्रम में रहता है, उसको असलियत का पता ही नहीं रहता है। और राक्षस, राक्षस गण को तमोगुण मन माने गए। ये सारे जो है ये प्रकृति के अधीन है, और प्रकृति किसके अधीन है? मैं प्रकृति के अधीन नहीं। ठीक है, तेरवा खोलिए। त्रिभी गुणमयी भावै एभी सर्वम इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। मैं गुणातीत हूं, मैं क्या हूं? मैं गुणातीत हूं, मुझे नहीं जानता। तो क्योंकि लोग सहसा सारे अनुभव इन तीन गुणों के अंदर लेते हैं, ठीक है? तो तीन गुणों के परे जो चीज है उसकी संकल्पना करना भी बड़ा मुश्किल होता है, कैसे होगा? और इसलिए उसको कहते हैं तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, और उस लेवल को कहते हैं शुद्ध सत्व। इसलिए जीव को धीरे धीरे गुणों के प्रभाव से अपने आप को हटा के शुद्ध सत्व के लेवल पे आ जाना चाहिए। शुद्ध सत्व यानी आपकी चेतना को यहां लगाने के बजाय आप अपनी चेतना को, ठीक है? तो यहां प्रभुपाद समझाते हैं कि जो जैसे चार वर्ण है ना, वर्ण और आश्रम है, कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण कौन है? सत्वगुणी। क्षत्रिय कौन है? रजोगुणी। रजोगुण और कभी कभी सत्व का भी मिक्स होता है, पर एक मेजोरिटी में ले लो। तीसरे वैश्य, वैश्य क्या है? तमोगुण और रजोगुण का मिक्स। और वही शूद्र वो तमोगुण में रहते हैं, और एक्चुअली ये फिर भी शास्त्रों का पालन करने वालों में से है, बात समझ रहे हैं?
और जो मलेच्छे होते हैं वो मतलब इससे भी गिरे गए, मतलब इग्नोरेंस से भी इग्नोरेंट में रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ कहा गया है कि अगर आप ये तीन गुण, ये छह इसके अंदर हो तो एक्चुअली आपको आपको वो होगा ही नहीं, भगवान का दर्शन हो ही नहीं सकता। और इसलिए यहाँ कहा गया कि भगवान जो छह ऐश्वर्यों से संपन्न है इनको समझना असंभव हो जाता है। क्यों असंभव हो जाता है? क्योंकि ये छह के छह इस दुनिया में विरोध करते हैं एक दूसरे का। जैसे कोई वैरागी है तो वो धन क्यों रखेगा, नहीं समझे, तभी ना उसको वैरागी बोलोगे। लेकिन भगवान सबसे ऐश्वर्यशाली है और फिर वैरागी भी है, सबसे वैरागी। जैसे नरनारायण ऋषि के रूप में भगवान क्या है, वैरागी। चेतन महाप्रभु के रूप में वैरागी है, लेकिन वो क्या बोलते उसको, द्वारका के द्वारकाधीश के रूप में ऑपुलेंट है। तो एक आदमी सोचता है कि अरे कैसे हो सकता है, तो उसे इन तीन गुणों के परे समझना होगा। वहां क्या आ जाएगा, तीन गुणों के परे अगर हमको भगवान पे आस्था रखनी है तो क्या रखना होगा, कैसे समझ पाएंगे, तो कैसे उठेंगे ना तीन गुणों से ऊपर। नहीं हमें अभी जैसा बोला जा रहा वैसा मानना चाहिए। हाँ जैसा भी बोला जा रहा वैसा भी मानना चाहिए ज्यादा। हाँ ये कह रहे हैं एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसको बोलते हैं श्रद्धा। क्या बोलते हैं? श्रद्धा। तो भक्ति मार्ग जो है ये भगवान कह रहे हैं कि इसके ऊपर अगर तुम्हें उठना है, इसके नीचे तो तुम लॉजिक लगा सकते हो, अनुभव लगा सकते हो, तीन गुणों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ कुछ करने तो कर सकते हो, लेकिन अगर भगवान से संबंध जुड़ना है तो यहाँ को क्या लगेगा, श्रद्धा। इसलिए कई बार लोग है ना अभी भी भगवान को तर्क से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन तर्क से आप इतना ही समझोगे कि भगवान को तर्क से नहीं समझा जा सकता। क्या बोला मैंने, तर्क से हम नहीं समझ सकते हैं कि भगवान को तर्क से नहीं समझा जा सकता, तो तर्क का उतना ही फायदा है। अब बात समझ रहे हैं, जो षड दर्शन है उसमें जो न्याय है तर्क वरण, बस वरण तीन बैठक मर नींद आ रहे हैं उसको, उसके आंखें नीचे भी नहीं गर ऊपर भी नहीं, लेफ्ट लेफ्ट जा रहे थे। तो तर्क से न्याय में भी कहा गया, तर्क से इतना ही लास्ट में कंक्लूड होगा लॉजिक से कि आप भगवान को लॉजिक से नहीं जान सकते। वहां पे आता है कि जब तक वो खुद नहीं बताएंगे और जो बताएंगे उस पर फेथ रखना होगा, जो चौथे अध्याय में भी हमने देखा था। क्या देखा था, फेथ के ऊपर। हाँ हाँ क्या देखा था, अरे श्रद्धा के ऊपर क्या देखा था, भगवान क्या बोलते हैं चौथे अध्याय में, तुम लोग सिर्फ ना 95-96 लेके आया है, पढ़ा कुछ नहीं कीता, अगला क्वेश्चन पेपर वैसे टफ रख देंगे ना, 10 घंटे का रख देंगे, एक को आंसर नहीं आएगा। बोलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, क्या बोला है, यूजलेस पीपल। भगवान कहते हैं जिसे श्रद्धा नहीं है वो ना इस दुनिया में सुखी हो सकता है ना नाइदर इन द नेक्स्ट, वो कभी भी यश को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसे व्यक्ति को क्या रखना चाहिए, श्रद्धा। एक बार क्या हुआ था, एक बार एक व्यक्ति था और वो जो व्यक्ति है वो मतलब ऐसा पहाड़ से गिर गया, पहाड़ से गिर गया तो वो रस्सी रहता है ना जो जो लेके गया था वो चढ़ने उड़ने के लिए, उसको कैसे तो पकड़ लिया। अब रात का अंधेरा हो चुका तो उसका पांव फिसल गया और खर करके गिर गया, वो पकड़ के रस्सी पकड़ के बैठा है और ठंडी भी पड़ रही है, अब वो करे तो कर गया, रस्सी छोड़ेगा सीधा खाई में गिरेगा और रस्सी पकड़ के बोलता है प्रभु आप जो भी हैं मैं आपको मानता हूं, आप ही ग्रेट हैं, ये है वो है, मेरे को आप बचाइए। तो बोलते ठीक है वत्स, रस्सी छोड़ दो मैं पकड़ लूंगा। बोले यार ये अलग ही आदमी है, रस्सी छोड़ने के डर से ही तो मैं नहीं छोड़ रहा हूं। तो बोलते कैसे छोड़ दूं, बोले बस छोड़ दो मैं बाकी संभाल लूंगा। देखो प्रहलाद को फेंक दिया तो प्रहलाद को कौन पकड़ा, तो इसने छोड़ा नहीं, उसी को पकड़ पकड़ ठंडी से उसी को कुटर में अटक के मर गया। उधर ही पकड़ने ऐसी ग्रिप उसकी उंगलियां ऐसी अटक गई थी रस्सी में, तो ऐसे से पकड़ के रखा था ना वो, ऐसे ठंडी में अटक के मर गया। सुबह लोगों ने उठ के देखा तो सिर्फ जमीन से 5 इंच ऊपर था वो,
तो भगवान का बात मान लेता तो वो बच जाता। एक बार एक माता जी थी, ये ट्रू स्टोरी है और ये स्टोरी में बहुत बार कोट भी करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये माता जी थी, ये गई थी मतलब ये कथा सुनने में बड़ा रुचि रखती थी, लाइक भगवान का कहीं कथा होता तो बड़ा खुश हो जाती थी, और राम की भक्त थी वो, भगवान राम का कहीं भी कथा हो तो मतलब ना रामाय रामचंद्राय राम भद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। शिव जी कहते कोई इस मंत्र का जाप कर ले तो सीधा वैकुंठ। तो वो आती थी और वो क्या सुबह जाती थी सब्जी बेचने, जैसे हमारे गांव की माता लोग नदी के ऊपर डैम टाइप था तो डैम से चल के जाना पड़ता था, और कभी कभी पानी ऊपर नीचे भी होता है, मतलब पानी कभी कभी ना थोड़ा सा ही बेहतर कि अगर आप ध्यान से नहीं चलोगे तो कहीं डैम में गिर सकते हो। तो वो बेटा बोला ठीक है ऐसा करो, हमारे वहाँ एक रिलेटिव रहते हैं, मैं दिन में सब्जी वहाँ पहुँचा दिया करूँगा, तुम बेच के वहीं उन्हीं के यहाँ रुक जाया करो, कथा सुन लिया करो, फिर मैं टोकरी लेके दूसरे दिन आके सब्जी भर के तुम्हें ऐसे कर दिया करूँगा। तो माँ बोली बहुत अच्छा आइडिया। तो पहले दिन गई और पहले दिन वही रिलेटिव के यहाँ रुकी, मतलब सामान रख दिया और कथा सुना। तो कथा में जो कथावाचक थे बोल रहे थे कि अरे मतलब कथावाचक था वो, हो सकता आते दूसरे भी डैम देखा हो, तो बोल रहा था कि भगवान राम की नाम की महिमा ऐसी है कि आप भवसागर पार हो जाओगे तो ये डैम क्या है, मतलब बोल दिया। ये सब ना नोट्स में लिखा होगा, ये बोल दिया। क्या बोला? अरे राम के नाम से भवसागर पार हो जाएगा, ये डैम क्या है। अच्छा प्रॉब्लम था कि ये तो बोल दिया अपना, ऐसे ही बोला, थोड़ा बहुत फेथ इसको हल्का फुल्का होगा। ये माता जी फुल फेथ पे पूरा टोकरी उठाई, बोली अब क्या रिश्तेदारों क्या रुकना है, राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय तो ऐसे वो माता जी जो है अपना लेके लेके निकली, और जब लेके निकली वो डैम पार कर दी। रोज आती जाती थी डैम से राम का नाम लेके, कोई उसको कभी कुछ नहीं हो, और देख ऐसे नीचे देख के आराम से नाचते नाचते जाते श्री राम श्री राम करके जाते। अब प्रॉब्लम हुआ कि ये जो कथा करता है इसको किसी ने बताया, अरे आपका कथा इतना मतलब इतना आप अच्छा कथा कर रहे हैं कि लोग दूर दूर से आ रहे सुनने के लिए, ये माता जी तो नदी का डैम पार करके आती है, हैं डैम का रात को। उसने पूछा कैसे करती, बोले महाराज जी आप ही ने तो मतलब इतना बताया, तब से मुझे पता चला कि राम के नाम में इतना शक्ति है। अब टेंशन है कि ये बोल तो दिया था। हाँ कई बार मैंने देखा है कि लोग ऐसे मेरा लेक्चर सुन के बहुत वो हो जाते हैं, प्रभु जी आपने बोला हमने भक्ति कम, मैं तो मैं कब सीरियस होऊंगा। ये तो हो गए सब है ना, तो वो ऐसा होता है कभी कभी, जो बोलने वाला है वो उतना हो सकता है उसको उतना लेवल का फेथ होना हो लेने वाले में, तो ये पार कर देते। फिर ये बोला रुको मैं भी ट्राई करता हूँ, कथा तो खत्म होता है 9 दिन का, भैया गए डूब गए। क्योंकि राम का नाम फेथ से लेना है, तो ये यहाँ का लेवल अगर पार करना है तो उसके आगे क्या लगेगा, श्रद्धा फेथ लगेगा। इसलिए अभी 7वें अध्याय से 18वें अध्याय तक आपको भगवान के ऊपर क्या करना होगा, फेथ करना होगा, क्योंकि इससे पहले जो आपने 6 अध्याय में पढ़ा उसमें अगर आप फेथ नहीं भी रखते हैं तो भी, क्योंकि निष्काम सकाम जो हमने लैडर पढ़ा था ना, ये सब का अनुभव हम लोगों ने, ये अनुभव के अंदर था थोड़ा, समझ रहे हो ना।
इमीजिएट ट्रांसेंड का बात नहीं हो रहा था उसमें, ट्रांसेंड हो भी रहा था और नीचे भी था, लेकिन अब जो है वो तीन गुणों के ऊपर वाली बात होने वाली है। याद है 2:45 निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निर्द्वंद्व निर्मोह, हट जाओ द्वंद्व और मोह से हट जाओ। तो अब इसके आगे जितना भी बात होने वाला है वो कहाँ का होने वाला है, श्रद्धा वाला लेवल होगा। तो यहाँ पे कहा गया कि भगवान कह रहे हो तीन गुणों, इसलिए मैं निर्गुण हूं, इन तीन गुणों के स्रोत होते हुए भी मैं इससे अलिप्त हूं। ठीक है, चलेगा। अभी वही वो तीन गुणों का और वर्णन यहां आएगा। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्तिते। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरी शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर सकते हैं। अब ये देखो यहाँ क्या चीज का बात आया, माया, माया जो है ये तीनों को पार करना इतना आसान नहीं, नहीं है। अभी मैं इसमें एक चीज दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखो आप लोगों ने ना, एक्चुअली मैं करने वाला था लेकिन मेरे पास वो मेरे को ध्यान नहीं रहा कि जो कल बाजार से लाने के लिए। अब एक काम कर सकते हो, तीन कलर ले सकते हो सर, लाइक स्पेशल जो इसमें जो घर में खाली है लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लेते थे स्कूल में क्या करते थे ना, वो जो एग्जाम पेपर लिखने का नहीं होता एक पैड, उसके ऐसा होता देखो खोल के पेपर डालते ऐसा, उसमें ना हम लोग तीन वूलन वो ले आते थे, वूलन क्या बोलते उसको, वूल वूल मराठी में लोकर बोलते हैं, ऊन। हाँ 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 ये देखो 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 ये ऐसा पैड होता है ना, तो ये पैड में ऐसा अंदर में इसके अंदर से वूल लगा देते थे, वूल यानी लोकर, लोकर का ऊन, ऊन को ऐसा जैसे स्वेटर बनता है ना वो, उसका वो लगा देते थे ऐसे, एक अलग अलग कलर का येलो ब्लू। हाँ और फिर क्या करते थे उसको ऐसे लेके ऐसे हरे कर एक दो, तो ना उसका बैंड बनता था समझ रहे हो। तो उसका उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं, उसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जैसे ये सत्व गुण है, ठीक है, और समझो ये रजोगुण है, और समझो ये तमोगुण है। अच्छा समझने के लिए समझो उसमें भी क्या होता है, ये तीन गुण एक दूसरे से बंधे होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि मैं सत्वगुणी ही हूं तमोगुण का प्रभाव एक झटके में आ सकता है, इसके बहुत सारे पावर्स हैं, मैं इसमें अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसमें भी क्या होता है, सत्व का सत्व उसमें भी हल्का रज होता है, समझ रहे हो, मतलब सत्व रज कहते हैं उसको, यानी सत्व गुण में भी रज, लेकिन प्रायोरिटी में सत्व है और माइनॉरिटी में क्या है रजोगुण है, और एक होता है सत्व लेकिन उसमें तम का प्रभाव होता है। जैसे कई कई बार जो सत्वगुण में जीने वाले लोग भी हैं वो कुछ ऐसा तमगुणी काम करते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा सत्वगुण में रहते, वैसे ही रजोगुण का एक होता है जिसमें पूरा रज होता है और थोड़ा उसमें सत्व होता है, एक होता है पूरा प्योर रज यानी पूरा उसको पावर ग्रैब ये सब करने की इच्छा होती है, और एक होता है रज और उसमें तमोगुण मिक्स होता है, तो रज तम कहते हैं उसको। फिर एक आता है तमोगुण, वो पूरा तमोगुण होता है और उसमें थोड़ा मतलब तमोगुणी सत्व भी होता है, एक होता है तमोगुण है और उसमें थोड़ा रज होता है, और एक होता है पूरा तमोगुण। ये वैरायटी दिख रहे हैं आपको, अब डिवाइड करने जाओगे तो उसके अंदर भी अलग अलग निकलेगा, मतलब ये ऐसे वो आप समझना बहुत मतलब विद्वानों का काम है, इन सब को आप गांठ बना दो। जैसे माता लोग को देखा है वो क्या करते हैं बाल को जैसे तीन बार बना देते, देखा ना हमने, तो लाइक वो जो उनके बड़े बाल होते इतने उसको एक दो और तीन सेक्शन कर देते हैं, फिर क्या करते हैं ऐसा वो ऐसा लेते हैं, ये लेते ना ऐसे छोटी तो एक साथ हो गया ये ऐसा उसको, तो ये क्या बन जाता है देखो ऐसे टाइप कुछ बन जाता है, पता नहीं ऐसा 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 देखा। तो
अब क्या है, राइट वाला बाल कौन सा है, लेफ्ट वाला कौन सा है, बीच वाला कौन सा है, पता चल रहा है क्या? नहीं, ऑलरेडी ये बंडल राइट वाला है, लेकिन अब इधर आने पर वो लेफ्ट का पहला हो रहा है, उसका वो पहला हो रहा है। तो ये ऐसा तीन गुणों का खेल है इस प्रकृति में। जीव को क्या करके रख दिया है, दैवी ही एश गुणमयी। ये जो है ना दैवी है, ये साधारण नहीं, नहीं है। तुम इसको हल्के में भी मत लेना, तुम जरूर। हाँ इधर देखो, ये देखो, ये आ गया, ये एकदम परफेक्ट केस है। ये आप लोग भी पहनते ना बहुत लोग, इसको थोड़ा पहन लेते भी, पहन सकते क्या, जाएगा मेरे हाथ में नहीं जाएगा, जल्दी निकलेगा नहीं, ज्यादा भी जाए ये गुणों के अंदर जाना अच्छा नहीं है। समझ में आया आप लोगों को, ये कैसा वो बैंड एक दूसरे को कनेक्टेड है। तो ये दैवी ही ऐसा गुण मई 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 किसका, मेरा मेरा, दैवी ही ऐसा गुण मई गुण गुणमय है, ये क्या है गुणमयी है, मतलब पूरा हाँ मई मतलब ना और भी रंग पूरा भरा हुआ है उससे गुणमयी। मम माया, माया माया किसकी है, ये मेरी है, मेरी है। मम माया दुरत्यया, और ये कैसी है, दुरत्यया क्रूएल है, इधर कोई भी कृपा याचना मत करना। हंटर लेके बैठी रहती है, उल्लू बनाती है उल्लू, हाथी को देखा है ना क्या करते है हाथी, हाथी जो होता है वो बड़ा होता है, ऐसा लगता है टांग करके पूरा पेड़ उखाड़ के फेंक देता है, फेंकता है कि नहीं, लेकिन वही हाथी को वो जो बंदा होता है ना, वो एक बंदा बैठ के अमावत लेफ्ट राइट लेके जाता है, उधर जाके उसका इतना बड़ा पांव एक रस्सी से सिर्फ एक खुट्टे को बांध देता है, छोटा खुट्टा, जिसने इतना बड़ा पेड़ उखाड़ा वो खुट्टा नहीं उखाड़ सकता। लेकिन क्यों नहीं उखाड़ता मालूम है, हाँ जब वो छोटा रहता है ना तो उसको वहां बांधा रहता है, वो ट्राई करता है नहीं निकलता, तो उसके दिमाग में बैठ जाता है ये खुट्टा कभी नहीं निकलेगा। तो जीव को इधर इतना परेशान कर दिया है, तो क्या सोचता है, मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा यहां से, मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा, तो इसलिए वो क्या सोचता है, जब निकल नहीं पाऊंगा ना तो मजे लूंगा। यह एक अलग प्रकार का हरामी सोच है कि जब निकल नहीं पाऊंगा तो मजे लूंगा, तो यहां पे मजे लेने में आ जाता है। तो कभी ब्रह्मा बनता है, कभी कीड़ा बनता है, कभी मनुष्य योनि, कभी कुछ घूम रहा है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, घूम रहा है, ऊपर जा रहा है कभी नीचे, कभी नरक में, कभी इसको जो मिल रहा है, हाँ ये मेरी पत्नी है, हाँ हो गया, ये मेरे बच्चे हैं, हाँ लो फीस भरो, हो गया, फिर मर गया बुड्ढा कोरोना मर गया, फेंक दिया सरकार ने, फिर वो डिकम्पोज हो गया बॉडी, आत्मा गया दूसरा योनि में, कुत्ता हो गया, उसको खुद पता नहीं मैं कहां से कहां कहां घूम रहा हूं। और जब पढ़ने का मौका आता है गीता, मुझे टाइम नहीं है, तो जा फिर, टाइम तो है बहुत सारा, टाइम तू मुझे थोड़ा देगा तो बच जाएगा, तेरा इतना टाइम बचेगा, मुझे टाइम नहीं देगा तो तेरा इतना टाइम वैसे ही बर्बाद होना है। तो जब कोई बोलता है ना प्रभु जी ना मैं बहुत गीता क्लास अटेंड करना चाहता हूँ, लेकिन टाइम नहीं है, तो मैं बस हंसता हूँ, टाइम तो तुझे देना होगा, मुझे नहीं, इधर ना किधर तेरा टाइम तो जाएगा। ये तीन गुणों की तरह है, समझ में आया, मम माया दुरत्यया, दुरत्यया बोल रहा था मतलब ये पीटते रहती है, आपके सारे आशाओं पे पानी फेरने का मजा लेती है, ये बॉलिंग टीम है, ये क्या है और ये क्या है बैटिंग टीम। 13वें अध्याय में पता चलेगा, ये बनता है डुप्लीकेट पुरुष, क्या बनता है, और ये प्रकृति है, लेकिन अब ये अलग प्रकृति मतलब ठोकने वाली प्रकृति है, ये पुरुष इस प्रकृति में घुस के एक्चुअली ये इधर घुसता है इसलिए अपने को पुरुष समझता है, असली में ये भी क्या है, परा प्रकृति है,
लेकिन समझता क्या है अपने आप को? पुरुष। असली पुरुष कौन है? लेकिन अब इधर आने वाले अपने आप को इधर का ईश्वर कौन समझता है? तो ये इधर आके अपने आप को हीरो समझता है। ये हमारी नदी है तो जा बीच में, ये समुंदर हमारा है जा डूब के। मोदी उधर बैठ के बोल सकते इंडियन ओशन हमारा है, बोल सकते हैं। अंदर नहीं जाएगा क्योंकि अंदर में जो बैठे है उनको मालूम है किसका है, हमारा। बड़े बड़े शार्क और व्हेल। हाँ कभी कभी आदमी बोलता है इतना जो बड़ा हमारा घर है, देखिए इतना बड़ा हमारा पखेना है और इतना बड़ा हमारा हॉल है, इतना बड़ा हमारा वो है, ये सब हमारा है। और इसी घर के नीचे जो चूहे रहते हैं ना होल बना बना के, उनका अंदर नेटवर्क रहता है बहुत बड़ा। वो चूहे जो है वो नेटवर्क के अंदर रहते हो, वो चूहा भी अपनी बीवी को बोलता है जानती हो नेटवर्क हमारा है और ये घर जो ऊपर वाला हमारा है। तो घर किसका है? तो दैवी ही ऐश गुणमयी माया दुरत्याया। एक ही चीज सबको बांट के रख दिया, लड़ो। माया ने क्या किया है? एक ही पंखा है, लड़ो। जो सीनियर है वो हवा खाएगा, जूनियर है वो रोएगा। तो सोचता अच्छा तो मैं सीनियर बनूंगा। जब तो तू सीनियर बनेगा तेरा बदमाश जूनियर होगा जो खुद की तरफ पंखा लगाएगा, तेरे नहीं छोड़ेगा। कुछ भी हो सकता है। तो मम माया दुरत्याया, ये जहां सुख दिखाती है वहां व्यक्ति जाता है, और जो ही वहां जाता है उसको दुख में परिवर्तित कर देती है। ये बहुत डेंजरस है, इसके चक्कर में बिल्कुल मत रहना। एक बार ऐसा है, देखो ऐसा है, ये पहुंच दूं। एक बार क्या हुआ, एक बार चूहा पकड़ने का ट्रैप था, क्या था? चूहा पकड़ने का ट्रैप होता है ना, मतलब जैसे उसको ऐसा करते हो अंदर खाने जाते अटक जाता है। तो एक बार एक चूहा अटक गया था और अंदर ट्रैप के अंदर क्या था, एक जगह ना ऐसे कांटे कांटे थे, क्या थे? खिले खिले नहीं होते ऐसे, ऐसे था। एक जगह जो था वो करंट था, करंट लगता है ना, ऐसा करंट लगते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और एक जगह पे मक्खन रखा हुआ था, क्या रखा था? अभी चूहा अंदर घुस गया, दरवाजा बंद हो गया, अब वो निकलने का बहुत ट्राई किया दरवाजा, गया देखा कोई नहीं खोल रहा है, लेकिन वहां मक्खन दिखा तो मक्खन वाले पे चढ़ गया। क्या किया वो? मक्खन पे थोड़ा खाने लगा। उतने में क्या हुआ, ये ऑटोमेटेड था, जहां मक्खन है वहां कांटा आ गया, कांटे वाले पे इलेक्ट्रिक चला गया और एक इलेक्ट्रिक वाले पे मक्खन, अब वो रोटेट हो गया। ऐसा तू तो काटा लग रहा, फिर वो कैसे तो मक्खन पे जम गया, जब तक तो वहां जम किया फिर वो रोटेट हो गया, पता चला वो एल्गोरिथम बनाने लगा। हाँ जब मैं इधर जम मारता हूं तो वो रोटेट होता है, तो कितने साल बाद मुझे मक्खन मिलेगा। फिर ऐसे करते करते एक ने आके गेट खोल दिया। लेकिन वो इस खेल को समझने में और भोग करने में इतना लग गया, वो भूल गया गेट खुल गया है। वैसे जीव जो है भोग करने में लगा है, अरे ये जन्म में ठीक नहीं हो, मैं अगले इस बार पुण्य कर तो अगले और मिलेगा, ऐसा करो तब होगा। ये प्लान बनाने में, इस दुनिया में समझने में इतना लग गया, चैतन्य महाप्रभु ने दरवाजा खोल दिया, बोले आओ बस एक बार चैतन्य, एक बार हरे कृष्ण बोलो और बाहर निकलो। अरे रुको रुको जरा, धीरज रखो, अभी अभी मक्खन आया है। माया देवी तभी आपके सामने क्या कर देगी, प्रलोभन रख देगी। ऐसा है, कभी कभी किसी लड़के का शादी नहीं होता, वो ढूंढता है ढूंढता है, फिर कैसे तैसे एक लड़की फाइनल हो जाती है। वो दिखने में थोड़ी एवरेज होती है, लेकिन ये बोलता है चलो इससे भी ज्यादा अपना लेवल नहीं है, तो सोचता है फाइनल कर दूं। तब तक उसकी एक कोई फ्रेंड होगी जो दिखने में बहुत सुंदर होती है, मेरा भी नहीं हो रहा तुम मेरे से करो। अब ये इतने सालों बाद मिलना ही था तो वो ऑफर आता है, अब वो सोचता है अगर मैंने इसकी तरफ गया और ये बाद में नहीं बोल दी तो ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, और इसको हाँ बोल दिया तो ये मतलब ये ऐसा काला काला चेहरा लेके घूमना पड़ेगा हर शादी में। तो मैं क्या करूं, और वो क्या करता है, वो इधर जाता है, बाद में बोलती नहीं मेरा मूड चेंज हो गया। तब तक ये बोलती है ये भी है ये भी है, वापिस खाली रहो। कभी कभी होता है देखो ट्रेन के लाइन में टिकट निकालने जाते वालों में, लोकल में मुंबई में ऐसे लाइन रहते हैं, देखा
तो कोई तो काउंटर बंद रहता है ना, खुल जाता है लंच का, वो खुलता तो सब उधर जाते, हमको लगता है वो जल्दी होगा, पता लगा उधर गए और ये वाले फुर्र जिनको छोड़ा था ना हमने, वो हमसे पहले टिकट निकाल के हमको दिखाते थे, फिर हम दूर घूम गया, अच्छा फिर इसमें जाते तब तक ये बंद हो जाता, वो चालू था। ये माया का खेल है, जहां दिखाती है और फंसाती है, इसलिए बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, तो ये कहा गया है, अच्छा इसलिए इसमें एक शब्द कहा गया है, कहा गया है नित्य बद्ध, क्या कहा गया है नित्य बद्ध, नित्य बद्ध जीव, नित्य बद्ध है यानी देखो जीव नित्य है, उसको कुछ होता नहीं, लेकिन यहाँ वो अनादिकाल से बहुत काल से बद्ध अवस्था में, इसलिए उसको क्या कहा गया है नित्य बद्ध। इसको कुछ मूर्ख क्या बोलते हैं कि वो कभी ऊपर भगवान के पास था ही नहीं, वो इधर पहले से था, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, वो जीव जो है ये स्वप्नमय जगत है, जो उसके बारे में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये नित्य बद्ध यहाँ पे बोल दैट लिविंग एंटिटी एंड प्रकृति आर इटर्नल ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ इन्फीरियर नेचर बाय मैटर देयर इल्यूजन इज इटर्नल देयरफॉर नित्य बद्ध, नो वन कैन ट्रेस हिस्ट्री बाय मटेरियल कैलकुलेशंस। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कब बद्ध हुआ, ये बोलना भी गलत है, क्यों मालूम है, ये सवाल ही एब्सर्ड है, क्योंकि काल इसके अंदर है, तो ये पूछना मतलब इसके अंदर का ही सवाल हुआ, मतलब इसी इसके माध्यम से इसको समझना हुआ तो गलत हो जाएगा। लाइक ऐसा पूछना हो गया कि इसने कितने समोसे खाए, इस जीव ने कितने समोसे खाए, कितने समोसे खाने तक ये बद्ध था, उसका कोई बद्ध से लेन देन है? काल तो एक ऊपर में आवरण है, तुम काल के माध्यम से अपनी बद्धता को नहीं जान सकते, लेकिन बद्धता को जान सकते हो इच्छा से, इससे जो इसके बाहर है। ठीक है, इसलिए आगे आगे इच्छा द्वेष समुत्थ है ना द्वंद मोहिन भारत, आगे आएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कहा गया श्वेताश्वतर उपनिषद 4:10 में कहा गया मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम, वन शुड नो प्रकृति और माया एंड इट्स मास्टर द ग्रेट लॉर्ड। ठीक है, तो कोई भी अगर माया से तरना चाहता है तो क्या कहा गया यहाँ पे, माया मेताम तरंति ते, कैसे, अगर कोई मेरे में समर्पण करता है तो माया को पार कर जाएगा, पार कर जाएगा। ठीक है, और इसलिए श्वेता चतुर भज में कहा ना तेम तम एव विदित्वा अमृतम एति अति अति अमृतम एति ओनली बाय नोइंग हिम वन सरपासेस डेथ। और पद्म पुराण में शिव जी कहते हैं, एक्चुअली ये पद्म पुराण कभी वर्ष है और एक जगह हरिवंश में भी आता है, हरिवंश में भी इसका रेफरेंस आता है, मुक्ति प्रदात सर्वेशम विष्णु रेवन संशया, भगवान शिव जी घटकर्ण को कहते हैं, घंटाकर्ण को, कि अगर तुम्हें कोई मुक्ति दे ही सकता है तो कौन दे सकता है, विष्णु दे सकता है, मुक्ति प्रदात सर्वेशम विष्णु रेवन संशया, देयर इज नो डाउट दैट लॉर्ड विष्णु इज डिलीवरर ऑफ लिबरेशन फॉर एवरीवन। हरे कृष्ण। अब भगवान क्या कहने वाले हैं, अब भगवान ने इसके बारे में बता दिया, तीन गुणों के बारे में बता दिया, उसके कंट्रोल के बारे में बता दिया, अब वो कह रहे हैं, अब जीव भी, अब वो वैरायटी बताने वाले हैं कि जीव जो है वो दो कैटेगरी के हैं, कौन से, सुकृत और दुष्कृत, समझा, सुकृत और दुष्कृत। तो चार प्रकार के लोग हैं जो भगवान को समर्पण नहीं करते, और चार प्रकार के हैं जो भगवान को समर्पण करते हैं, तो उनकी अभी व्याख्या करेंगे। तो पहले 15 खोलिए, न माम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमः मायया वर्धन्याना सुरम्भावमाश्रितः। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्य में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने के वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो चार प्रकार के लोग हैं जो भगवान का शरण ग्रहण नहीं करते, तो उनमें से इनको दुष्कृति न कहा गया है, क्या कहा गया है, दुष्कृति। तो दुष्कृति न का मतलब है कि कृति न मतलब ये लोग कार्य करने वालों में से है, मतलब ऐसे नहीं कि इनको कुछ नहीं आता है, ठीक है, इनको आता सब कुछ है, लेकिन दुष्कृत है यानी इनको इनका कार्य ही भगवान के
विपरीत करते हैं। ऐसा नहीं कि इन्हें बुद्धि नहीं होता। प्रभुपाद लिखते हैं कि ये साइंटिस्ट हो सकते हैं, ये फिलोसफर्स हो सकते हैं, ये कवि हो सकते हैं, ये पेंटर्स हो सकते हैं। जैसे अभी कितना सुंदर पेंटिंग करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन नग्न स्त्री का पेंटिंग कर देते हैं, या पेड़ पौधों का पेंटिंग कर देते हैं, या किसी ऐसे चीज का जिससे भगवान से कोई लेना देना नहीं, नहीं। मुझे एक डिवोटी मालूम है, वो इतना सुंदर पेंटिंग निकालता है, वो मतलब ऐसा लगेगा एज इट इज पेंटिंग है, लेकिन उसने कसम खाया, बोला प्रभु जी मैं केवल और केवल भगवान के ही पेंटिंग बनाऊंगा। तो बहुत ना श्रीनिवास कल्याणम का पेंटिंग बनाया, इतने सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाया उसने। तो ऐसा है, तो हरे कृष्ण। तो यहाँ पे कहा गया कि हाँ, और प्रभुपाद एक चीज इसमें अच्छा बताते हैं, वो कहते हैं कि देखो दुष्कृतियों का प्रॉब्लम क्या है कि ये प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करने के बजाय उसको और बढ़ा देते हैं। जैसे सेंट्रलाइज कर दिया, हाँ मतलब लोकलाइज मिलता था उसी को, अभी आपका चावल जो घर पे इधर उधर मिल जाता था, अब आपको कहीं सेंट्रलाइज से सरकार से लेना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए गाड़ी बनाया, फिर उसके लिए गैरेज बनाया, हाँ उसके लिए गाड़ी बनाए, गाड़ी को मेंटेन करने के लिए गैरेज, गैरेज को मेंटेन करने के लिए ये ऑयल, ऑयल को मारने के लिए अफगानिस्तान पे बम फोड़ा। हाँ ये तो चल रहा है। अभी आपका कोरोना क्या चल रहा है? कोरोना है किधर? वो तो वर्ल्ड इकोनॉमी में हर कोई कंट्री अपना पावर बनाने के लिए, वो तो कोरोना नाम का कीड़ा बाहर छोड़ दिया है दिखाने के लिए, अंदर में लोग का युद्ध वही चल रहा है, पैसा पैसा, क्योंकि कोरोना होता तो लोग उस पर ध्यान देते। रनवेश ठीक है, तो जैसे आप देखिएगा फ्लाईओवर बनता है तो रास्ते क्यों बनाए थे? गाड़ी जाने के लिए। उस पर जाम लगने लगा तो फ्लाईओवर बनाया, उसके ऊपर जाम लगने लगा तो और एक फ्लाईओवर बनाया। मुझे आज भी याद है जब मैं पूना में हम लोग रहते थे, पूना में हम पहले जाते थे तो स्ट्रेट रोड था वो शिवाजी नगर का, सीधा एक बस जाता था शिवाजी नगर के लिए। अभी ऐसा हो गया वो जंबल कि उसमें स्टेशन को कौन सा फ्लाईओवर जाता है, इधर वाला इधर कहाँ जाता है, ये विश्रांतवाड़ी को, एक पूना को कहाँ जाता है, कुछ नहीं समझता है वो। गाड़ी में कम से चार बार आदमी यहाँ से घूम घाम के लास्ट में एक टुक्का लगता है तो निकलता है। जो नया आदमी है वो तो कन्फ्यूज हो गया होगा, जो पुराना है वो समझ भी जाएगा। तो फ्लाईओवर ऐसा है, मुंबई में भी पता नहीं चलता है कौन सा फ्लाईओवर से नीचे उतर के टीटी सर्कल से अंदर जाना है, वर्ली को कहाँ जाना है पता नहीं चलता है। तो ऐसा है, तो आदमी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में और प्रॉब्लम बढ़ा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कैटेगरी है मूढ़ा, क्या है? मूर्ख, मूर्ख लोग हैं। तो इनका कहा गया है कि ये वो लोग हैं जो केवल केवल और केवल हार्डवर्क करते हैं। क्या करते हैं? हार्डवर्क करते हैं, हार्डवर्क यानी बहुत मेहनत करते हैं और परिश्रम करके, हाँ वो मतलब उनका ऐसा रहता है कि बस मेहनत करो, मेहनत ही भगवान है, बस मेहनत करो सब अपने आप हो जाएगा। तो हार्डवर्क करने वाले हैं और इनको भगवान पे भरोसा नहीं रहता, इनको लगता है बस ये जो मेरा पसीना है इस पसीने से ही सब कुछ हो रहा है। मतलब उनका अज्ञान इतना होता है कि उनको लगता है पसीना इज इक्वल टू भोजन। मेहनत करना चाहिए, मेहनत नहीं के खिलाफ है, लेकिन उसी सोच में कि मेहनत ही भगवान है। अगर मेहनत भगवान है तो गधा आपका गुरु हो गया। प्रभुपाद लिखते भी है कि आदमी गधे ऐसे हम बोलते हैं ना, क्या गधे की तरह मेहनत करता है। गधा का उपमा क्यों देते हैं? दूसरे का कपड़ा बोझ अपने सर। देखो गधा को सोच उसके गधे के सोच में प्रॉब्लम है। गधा क्या सोचता है कि जब मैं कपड़ा लेके जाऊंगा और वहां पे जब थोड़ा देर छोड़ेगा तब जो मैं घास खाऊंगा वही, नहीं तो मैं अगर ये नहीं उठाऊंगा तो घास नहीं खा पाऊंगा। जबकि वो कहीं भी घूम के घास खा सकते हैं और वो अपनी सोच के कारण ही फंसा रहता है, ठीक है ना। ये तो अगर गधे को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो भाग जाना चाहिए, उसे भागता नहीं, फंसा किस लिए वो अपने सोच से। इसलिए बोलते ना गाजर दिखाया, गाजर किसको दिखाते? गधे को, उसके ही पीठ को एक गाजर ऐसा बांध देते, चलते रहते काम करते रहते गाजर के चक्कर में। बस वही है हमारे मनुष्यों में, जे प्राण्यांच तेच माणसांच, जे प्राणियों का वही मनुष्यों का। कोई भी टीम में देखो, सेल्स टीम होता है ना, सेल्स जिसमें बढ़ाना होता है धंधा, क्लाइंट बढ़ाओ और उल्लू बनाओ, क्योंकि सेल्स में उल्लू बनाना होता है। आप सीधा सीधा बोल दोगे कि हम लोग आपको उल्लू बना रहे तो कोई आपसे लेगा नहीं, तो उल्लू बनाने के लिए आपको मीठा बोलने वाला आदमी चाहिए। तो जनरली आदमी लोग होते हैं उसमें बहुत कम होते हैं जो मीठा बोलते हैं, बातें सटक जाते हैं, बोला
ऐसे गाली दे देते हैं, तो उसमें ना माता जी लोग को रखते हैं, और वो भी कौन बच्ची टाइप नहीं थी 18-19 साल की, नए नए कॉलेज के, यार सर आप पोस्ट पे क्यों नहीं करवा लेते सर 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 इतना मीठा बोलते, इतना मीठा बोलते, तो रोते सर प्लीज बोला रे पोस्टपेड करा लो, कुछ और काम है। हाँ रिसेप्शन पे एकदम कहीं भी जाइए तो एकदम मेडिकल के रिसेप्शन पे जाए हॉस्पिटल में, या हाउ कैन आई सर्व यू, अरे किडनी टूट गया है सर्व यू क्या। लेकिन आप उल्टा नहीं बोल सकते क्योंकि वो मीठा नहीं, वो उल्टा नहीं बोल रही ना, वो तो मीठा बोल रही है। इतना बिल सर 5,29,000 आपको कंपनी से निकालते हैं तब कैसे रखते हैं, तो मीठा चेहरा रहता है, एचआर आती है एकदम चॉप चॉप वी डोंट नीड यू एनी मोर, बोला हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। आदमी आगे बोलेगा ए तेरी जरूरत नहीं निकल यहां से, ऐसे बोलेगा ना, तो वो ऐसा भी नहीं बोलते, वो आपको बहुत मीठे से मार देते हैं। तो जैसे सेल्स में क्या करते हैं, वो आदमी जनरली धंधा करेगा नहीं ना, वो बांटेगा नहीं ना, जो वो सोचता है वो कम में कम काम करता है, अगर उसको 10 घंटा दिया तो 2 घंटा कहीं जाकर पेड़ के नीचे सो जाता है बाइक लेके, फिर जाता है कहीं नदी में नहा के कुछ तो बेचने जाता है। तो अब क्या करते हैं सेल्समैन, ये लोग समझ गए ऊपर वाले कि ये लोग काम नहीं करते, लेकिन बाइक चलाना दूर दूर तक जाना ये तो आदमी का काम है ना, माता लोग कैसे जाएगा इतना दूर। तो ये लोग क्या करते थे, हर ग्रुप में 5-6 लोगों के ग्रुप में एक लड़की रख देते थे, अब उसको देख के सब एक्टिव हो जाते थे, इसको कौन इंप्रेस करेगा, हम ज्यादा सेल्स के, फिर वो खाते बोलता होता ना अरे मैं गया 25 तो मैंने आज करके दिखा, ये उनको पता ही नहीं चलता मालिक ने क्या कर दिया, अंदर है बस एक गाजर रख दिया, वो गाजर तुमको मिलना नहीं है, मैंने पता चलो किसी और कंपनी में उसको हायर सैलरी मिल गया, वो चली गई, तू तो अपना काम तेरा ये पक्का इस्तेमाल कर दिया, तो मूर्ख है। ऐसे लोगों क्या कहा गया यहाँ पे, मूर्ख, ऐसे मूर्ख जो है भगवान को शरणागत नहीं होते, ये पहले कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी क्या है, और यहाँ पे लिखा भी है कि ऐसे मूर्ख जो है वो बहुत कम सोते हैं, कभी कभी खाते खाना नहीं मिलता समय पे, छाले आ जाते हैं मुंह में, बहुत मेहनत करते हैं और पता चलता है जो मेहनत का फल आया वो और कोई खा लिया, रिश्तेदार ये वो, तो अनाड़ी है ना। आपने देखा है कभी कभी मुंबई में या दिल्ली में लोग पाइप के अंदर रहते हैं, जो पाइप रहते हैं ना पानी वानी का कंस्ट्रक्शन का काम रहता है सरकार का बड़ा बड़ा पाइप, उसमें लोग छोटा छोटा घर बना के रह लेता है रात भर, ताकि दूसरा दिन काम करें और मेरा बच्चा वहां पढ़ाई करे। तो ये क्या है, अज्ञान। और उनका उपमा और एक दिया, पता नहीं प्रभात उनको क्या धोया इतना, प्रभात बोलते हैं वो सुअर की तरह है, जिनको आप हलवा खिलाओ नहीं खाएंगे, उनको वही चाहिए फ्रेश। हरे कृष्णा। तो फिर दूसरे कैटेगरी है नराधम, दूसरा कैटेगरी क्या है नराधम, उस शब्द में ही पता चलता है क्या लिखा हुआ है, नरो में अधम, अधम पतित जीवर द्वारे द्वारे गिया, है ना चेतन महाप्रभु क्या नित्यानंद प्रभु हर घर में जाके उद्धार करते हैं। तो ये 84 लाख योनियां जो है उसमें से 4 लाख हमने देखा था मनुष्य हैं या ह्यूमन स्पीशीज हैं, इनमें जो बहुत चेतना उच्च है मतलब सत्वगुण में है, बहुत पावर है, स्किल है, लेकिन वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, अपना अपना फ्री विल यहाँ नहीं लगा पा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं अपने फ्री विल को इस्तेमाल करते हैं इस संसार की चीजों को रंगीन बनाने में। जैसे आप कभी कॉर्पोरेट कंपनी में गए होंगे, नहीं तो आप एयरपोर्ट पे जाइए, एयरपोर्ट्स पे गए ना, तो एयरपोर्ट का टॉयलेट यूज किया आप लोगों ने, चमकता है वो, क्लीन रहता है, बैठ के कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, कितना क्लीन रहता है, और हाइट है उधर एक आदमी हमेशा खड़ा रहता है पोछा लेके, हम बोला भाई सुसू तो कर रहे थे पहले खड़ा रहते हैं लेके, बोला इतना स्वच्छता अभियान। तो ये लोग मुतारी को वैकुंठ बनाने के लिए लगे हुए, मुतारी अगर अगर आपको टॉयलेट है ही असली टॉयलेट देखना है तो लोनावला बस स्टैंड पे जाओ, उसको महाराष्ट्र का इतना बड़ा लंबा है, 50-60 टॉयलेट एक साथ है, मतलब उसका दरवाजा तक जाती है, मतलब आदमी कंट्रोल कर लेगा नहीं टॉयलेट नहीं करेगा। हाँ उसमें भी अगर आप रात में ट्रैवल करते हो तो जो दारू पी के लोग टॉयलेट करते हैं ना ऐसा हैंग हो जाता है, मैं कभी प्रीचिंग में ट्रैवल नहीं कर रहा तो मुझे मालूम है, तो कम से कम वो ईमानदार है, उनको मालूम है टॉयलेट इसको धोने की जरूरत नहीं, कितना भी धोइएगा आदमी आके
टर्डी करने वाला है, ऑब्वियसली स्वच्छता रखना चाहिए, पर ये कुछ ज्यादा ही हो गया, हर दो मिनट पुचक पुचक गाज पहुंच रहे, अरे दिख रहा है मेरे को, हो गया एयरपोर्ट है ना भैया, वही कॉर्पोरेट में होता है, बड़े बड़े कंपनीज में आप चले जाओ, माइक्रोसॉफ्ट और ये वो बड़े बड़े कंपनीज, इतना चमकता है अंदर से, सब रो रहे होते हैं, दुखी है, सब परेशान है, मेरे को अप्रेजल नहीं हुआ, मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं, टॉयलेट मस्त है क्या फायदा, तो प्रबंध होते ऐसे लोग है ना, ऐसे ऐसे चीजों में लगा देते हैं अपनी चेतना को, तो वो कह रहे हैं कि इसमें से जो सिविलाइज्ड है, रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, धार्मिक हैं, रिलीजियस लाइफ ये दिखाने में करते हैं लेकिन अंदर से नहीं रहते, तो इनको नरधम कहा गया है। तो यहाँ पे और क्या कहा गया है, जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं तीसरे स्कंद में आता है भागवत के, भागवतम जो है ये ग्रंथ केवल भगवान की ग्लोरिफिकेशन के लिए है, उसमें कपिल मुनि बताते हैं कैसे जब जठर में बच्चा रहता है वो क्या करता है, 7 महीने का हो जाता है ना, तो उसकी पूरी चेतना विकसित होती है और उसको अंदर में ऐसा दबा दबा फील होता है, वो चिल्लाता है प्रभु आप जहां भी है प्लीज मुझे बचाइए, मैं आप ही की सेवा करूंगा जिंदगी भर, प्लीज बचाइए, फिर भगवान बचा लेते निकाल लेते उसको बाहर, आगे बोलता है वेयर इज गॉड, भगवान किधर है, सब कुछ केमिकल है बोलता है, भगवान बोलते अरे 2 महीने पहले तो चिल्ला रहा था तू, तो ये नराधम है, ये क्या है, व्यक्ति मतलब भगवान को पुकारता भी है तो अपना काम करके कल्टी मारता है, ठीक है। तो यहां पे लिखा है इसलिए इसलिए यहां कहा गया है कि बच्चों को जो मनुस्मृति में 10 संस्कार दिए गए हैं उसको करना चाहिए, हर उपनयन संस्कार ये सब संस्कार, तो सारे संस्कार जो है मनुस्मृति के 2 अध्याय के 25वें श्लोक से 55वें श्लोक तक है, मैं एक सब पढ़ लिया था कल, इसको पढ़ के बाद एक्सटेसी में चला गया, लेकिन अभी उतना हम लोग इसमें कर नहीं पाएंगे, टाइम नहीं है, जब हम लोग आगे हमारे लेवल 3 पढ़ाएंगे उसमें सब पढ़ा देंगे। इसलिए प्रभात कहते हैं कि 99.9% लोग जो है इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते मनुस्मृति, इसलिए वो नराधम ही है, इनका वैसे भी जी के कोई फायदा नहीं है, तो ये नराधम एक कैटेगरी है। तो यहाँ पे कहा गया है कि नराधम के उद्धार के लिए नित्यानंद प्रभु आए हैं, क्या कर रहे हैं, पकड़ पकड़ के सबको, अधमों को भी उद्धार कर रहे हैं, पावन कर रहे हैं, हरे कृष्ण। और इसलिए चेतन महाप्रभु ने देखा कि इतने सारे नियम कानून सब नहीं फॉलो कर रहे, तो चेतन महाप्रभु ने आके क्या कर दिया, हाँ भागवत धर्म सिखा दिया। तो भागवत धर्म सिखाने का मतलब क्या है कि कुछ नहीं तो आप कम से कम भगवान का आश्रय ले लो, बाकी चीजें अपने आप लाइन में आ जाएंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और तीसरा कैटेगरी इसमें है माया अपरितक ज्ञान, यानी जो ज्ञान में तो है लेकिन इनका ज्ञान हर लिया गया है माया ने, कैसे हर लिया है, तो ये लोग बोलना चालू कर देते हैं कि हम ही भगवान है, क्या बोलना चालू कर देते हैं, हम ही भगवान, या तो हम ही भगवान है, या तो बोलेंगे कि हाँ, या तो वो बोलेंगे कि मतलब अव्यक्त टाइप यू नो, मतलब कुछ भी एक वो कर देंगे, वर्ड जगलेट करके छोड़ देंगे, तो एक वे वो है जिनका माया से ज्ञान हर लिया गया है, क्योंकि ये अंदर में इनके दुष्ट भावना है, तो ये एक्चुअली भगवान के चरण में नहीं आते, ठीक है। चौथा है आसुरम भावम आश्रितः, जो बहुत एकदम ज्ञान में आसुरी भाव को आश्रित करके बैठे हुए हैं, यानी ऐसा कहा गया है कि जो डेमोनियक प्रिंसिपल्स को करते हैं और ये पूरा नास्तिक होते हैं पूरा, जैसे आपको अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले हैं ना, ये लोग क्या करेंगे, हर चीज का विरोध करेंगे और अच्छे चीज का भी विरोध करेंगे, पूरे नास्तिक है, इनको लगता है नास्तिकता ही हम ग्रेट है, अरे उसमें ग्रेट क्या, अगर भगवान नहीं तो तू कहां से ग्रेट हो गया, तो फिर कुछ ग्रेट नहीं है, तो ये इनका अपना अंडरस्टैंडिंग होता है। तो ये एक चौथा कैटेगरी यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। हरे कृष्ण। मुझे लगता है कठोपनिषद कोट किया है क्या प्रभुपाद ने आपके इसमें, नहीं किया है ना, ठीक है, वो आप लोग रेफरेंसेस में आपको जब दे दूंगा तो आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। फिर अब 4 लोग आते हैं जो भगवान को शरणागत होते हैं, अब इन 4 लोग हमारे ज्यादा काम के हैं, क्योंकि हम लोग इस कैटेगरी में प्रैक्टिस करने वाले इस कैटेगरी में आते हैं। पढ़िए,
चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थे ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी, ये चार हैं। तो इन चारों का थोड़ा हम लोग एनालिसिस करते हैं। सुकृति न यानी दुष्कृत वो था जो है पावरफुल लेकिन उसका डायरेक्शन गलत है, सुकृत यानी उसका डायरेक्शन भक्त कह सकते हैं, और एक क्या है उसमें से निष्काम या ज्ञान मिश्र है ना, तो ये डिवाइड याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला है अर्थ, क्या है अर्थ मतलब डिस्ट्रेस्ड, क्या है अर्थ मतलब हाँ अर्थ यानी डिस्ट्रेस्ड, जो बहुत ही तकलीफ में है, तो वो भी भगवान को पुकारता है, क्योंकि जब तकलीफ में है तो भगवान को पुकारता है। तो इसका उदाहरण क्या है, कौन है उदाहरण शास्त्रों में आपको याद है, गजेंद्र। गजेंद्र ने क्या किया, जब उसको मगरमच्छ ने काटा, गजेंद्र तो राजा टाइप था एकदम, और अपने बच्चों चो के साथ मस्त, और जब जो ही पानी में प्रवेश किया मगरमच्छ ने खच्चा ऐसे ग्रिप लगाए, निकल ही नहीं पा रहा था वो, लास्ट में वो कमल का फूल तोड़ के बोलते प्रभु बचाइए, तो भगवान आए। इसका इसे क्या सीखते हैं, अब कितने भी पावरफुल है दूसरे के इलाके में जाएगा, पानी उसका इलाका था क्या, नहीं, घुस गया उधर का पकड़ लिया, तो उसने भगवान को पुकारा, तो इसको कहते हैं अर्थ यानी जो तकलीफ में है, ठीक है। तो अर्थ जो है अगर ये फंसा हुआ भी है लेकिन ये भक्तों का संग ले लेता है तो धीरे धीरे उसे ज्ञान होने लगता है, तो वो भी भगवान के चरणों में आश्रय पा सकता है, ठीक है। दूसरा है जिज्ञासु, दूसरा क्या है जिज्ञासु। जिज्ञासु क्या है, इंक्विजिटिव, जो ज्ञान चाहता है, जैसे शौनक आदि ऋषि है ना, ये उस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये बहुत परेशान रहता है और मतलब ज्ञान कहीं मिला नहीं है, उसे समझ नहीं रहा है क्या सही है क्या गलत है, और ये उसे ये भी नहीं पता होता है कि ये क्या बोल रहे हैं लोग, प्रकृति ईश्वर जीव है, मुझे नहीं समझ रहा, ईगो हर्ट होता है उसका, मुझे ये भी नहीं समझ रहा है, ऐसे उसका ईगो हर्ट होने लगता है, ठीक है। तो ऐसे को कहा गया जिज्ञासु, तो वो लोग भी कहाँ आते हैं, भक्तों के पास आते हैं, तो इससे उनको समझ में आता है। और तीसरा है अर्थार्थी, क्या है अर्थार्थी। अर्थार्थी यानी जो भगवान के लोभ से आता है कि मुझे कुछ चाहिए, अर्थ के इच्छा से आता है। और चौथा क्या है, ज्ञानी। तो ज्ञानी वो है जो मतलब ये अव्यक्तवाद वगैरह सब समझ चुका है लेकिन उसे जो लास्ट वाला चीज है वो टेस्ट नहीं हो रहा है, तो वो उसके खोज में भक्तों के संपर्क में आ जाता है, और बाकी उसको इच्छा विच्छा ज्यादा वो सब नहीं रहता उसको, तो वो फिर उसमें जैसे सन्यास निष्काम सन्यासी ज्यादा करके इस लेवल में आते हैं, तो वो चौथे हैं, तो यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा ये बताऊंगा कि ये भक्ति ये लेवल्स होते हैं, मिश्र भक्ति इत्यादि है ना, तो थोड़ा भक्ति के डेप्थ में जाएंगे, तो दो मिनट हम लोग कीर्तन करेंगे, ठीक है। हाँ एक दो मिनट के लिए कीर्तन करेंगे, ये लो हरे कृष्ण, दो मिनट कीर्तन करते हैं, फिर मैं इसके अभी क्या है थोड़ा हम लोग अभी आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है, अभी तक ये समझ लिया था, अभी यहां से भक्तों के लेवल्स को समझना है क्योंकि इसके आगे इसके ऊपर चर्चा होगी, तो दो मिनट के लिए कीर्तन करते हैं।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे दर्द कर रहा था खड़ा हो गया। अरे कृष्ण और एक घंटा और अपना काम है ना, तो मैंने बोला उसको राउंड टू को बैठ के करेंगे। अरे कृष्ण, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये चार प्रकार के लोग हैं जो भगवान के पास नहीं जाते हैं, और चार प्रकार के लोग हैं जो भगवान के पास अप्रोच करते हैं। चार में से जो ऊपर वाले तीन थे वो क्या है? सकाम सकाम मिश्र भक्ति, और लास्ट वाला जो है वो क्या है? निष्काम या फिर ज्ञान मिश्र भक्ति भी कहा जा सकता है। ध्यान से रखिए, छह प्रकार के भक्त हैं। भक्तों में भी छह प्रकार हैं। तो एक हो गया, अब याद रखिए, मैं बोर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं थक गया एक्चुअली। जो लैडर याद है आपको, कर्मकांड को छोड़ दीजिए, लैडर चालू करिए। सकाम निष्काम ज्ञान ध्यान, ध्यान मतलब योग समझो, योग अष्टांग योग वाला बात, ज्ञान हो गया। इसी को मिश्र कर दीजिए, भक्ति में डाल दीजिए। ये तो नीचे वाले हो गए, इनका भक्ति से कोई लेन देना नहीं। ये लोग ईश्वर प्रधान है, मतलब ऐसा नहीं कि ईश्वर को मानते हैं, पर वो ईश्वर को परमात्मा रूप में भी मानते होंगे, अव्यक्त भी मानते होंगे, भगवान रूप में भी मानते होंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका प्रधान क्या है, प्रधानीभूत क्या है?
कर्म कर्म प्रधान में क्या था कर्म। लेकिन अंदर में जब हम भक्ति योग में जा रहे हैं तो वहां प्रधान में क्या है भक्ति है। कल बताया था ना प्रधानी भूत भक्ति। प्रधान में क्या है प्रधान मतलब समझ रहे हैं, जैसे आपकी एक थाली में चावल बहुत ज्यादा है तो प्रधान में क्या हो गया चावल। आप क्या बोलोगे बाहर गए क्या खा के आए तो क्या बोलोगे चावल। यहाँ देखा आज बहुत पूरी है पराठा है तो आप सामने वाले क्या बोलते क्या खा के आए हो पराठे। वो समझता है पराठे मतलब तुमने दही भी खाए होंगे तुम्हें चटनी भी मिला होगा सॉस भी दिया होगा लेकिन प्रोमिनेंट पराठा बोलते हैं। वैसे भक्ति योग जब आप बोलते हो तो प्रोमिनेंट में क्या आ गया ये व्यक्ति भक्ति ही करता है। अब उसमें वो अंडरस्टूड है कि अब जितना उसका अवस्था दिख रहा है उसमें तो प्योर ड्यूटी नहीं भी है तो थोड़ा कर्म वर्म इत्यादि में भी थोड़ा इसका इच्छा है। तो अब छह प्रकार के भक्त हैं जो पहले नोट डाउन कर लीजिए उसके बाद इनको इसके आगे बाइफरकेशन करना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद भगवान किसके बारे में बोल रहे हैं नहीं तो आपको क्या लगेगा अरे अभी ये भक्त कार्य में ऐसे बोला फिर ये भी बोला ये भी अलाउड है ये भी अलाउड है तो कंफ्यूजन होगा। नहीं किसके लिए क्या बोला है यहां से लेकर तीसवें श्लोक तक आपको अभी ध्यान देना पड़ेगा। ओह बोर्ड तो मैं यूज कर सकता लेकिन ये डेढ़ घंटे के ऊपर और एक घंटा खड़ा होना मुश्किल था और इधर खड़ा दर्द करने लगता है ना दिमाग कम चलता है बैठ के भी ठीक लग रहा है। और कल ना क्या हुआ सुबल बोला कि बैठ के अच्छा लेक्चर हुआ और सिबुल बोला नहीं खड़ा होकर आपका अच्छा है तो मैंने दोनों को आज खुश करने के लिए खड़ा भी दे दिया और बैठ के भी दे रहा हूँ है ना का सिबुल का ओ अच्छा तो ठीक है। तो पहला लिखो पहला है सकाम मिश्र भक्त लैडर में जाओ पहला कौन बनेगा सकाम मिश्र भक्त। ऑनलाइन वाले भी प्लीज लिख लीजिए ये लिखिएगा एक जगह इसको हमेशा अभी से लेके सातवें अध्याय के एंड तक सातवें नहीं बारहवें अध्याय के एंड तक इसको एक एक, एक अलग से रखिए यहाँ पे जैसे हम लैडर हमेशा रखते थे ना पहले छह में तो लैडर आपको समझता था कि नहीं कि किसके बारे में भगवान बोल रहे हैं स्थिर किसको होने बोल रहे हैं ध्यान में किसको लगाने को बोल रहे हैं समझ में आ रहा है ना। तो ये जो छह का नाम मैं दे रहा हूँ आइए इनका कैटेगराइजेशन दे रहा हूँ इनको अलग से ऐसे चिपका के रखो अपने घर पे अभी ठीक है। और ये लैडर वो लैडर से नहीं है ये भक्ति के अंदर का लैडर है क्योंकि यही सब चीजें भगवान बारहवें अध्याय में बोलेंगे तब बोले ये भी बोला फिर ये भी बोला ये भी बोला है तो आपको तब समझना होगा ये किसके लिए बोला है और ये किसके लिए बोला है हाँ नहीं तो श्लोक समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट आप लोग लिखिए पहला क्या लिखा ठीक है मतलब मिश्रा जी लोग भक्ति करते हैं ऐसा लिखा है सकाम मिश्र भक्ति। दूसरा क्या है निष्काम मिश्र भक्ति। आप लोग खुद मुझे सब बताओगे आप लोग अपने ज्ञानी हो चुके हो छह अध्याय में ज्ञान मिश्र भक्ति। तीसरा लिखो अब ध्यान योग करने वाले जो योगी टाइप है वो भी भक्ति कर रहे हैं प्रधान में लेकिन योग स्टाइल ज्यादा कर रहे हैं यानी विग्रहों की पूजा ध्यान लगाना ध्यान भी लगाना मतलब भगवान में बैठ के ध्यान भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो उसको लिखो योग मिश्र भक्ति। कितने हो गए चार हो गए सॉरी तीन हुए सॉरी योग और उसके बीच में ज्ञान मिश्र भक्ति लिखो माफ करना। तो कोई दिक्कत है कट नहीं करते बाबू नंबर आगे पीछे करते कोई भी ऐसे आध्यात्मिक नाम कट नहीं किया जाता मेरे भी डायरी में मैंने बहुत ट्राई किया नहीं नहीं फिर भी कहीं कहीं गलती हो जाता है। हाँ तीन नंबर पे ज्ञान मिश्र भक्ति है माफ करना भूल गया मैं बोलते होते आप लोग लैडर में हमने ज्ञान मिश्र भक्ति चौथा हो गया योग मिश्र भक्ति पांचवा हो गया क्या नहीं ये है ज्ञान मिश्र कर्म मिश्र सकाम हाँ सकाम कर्म मिश्र एक बार और लिखो शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति ने उसको केवल भक्ति बोलते हैं केवल हाँ केवल हाँ ये पांच कैटेगरी बलदेव विद्याभूषण देते हैं विश्वनाथ चक्र ठाकुर उसको छह करते हैं मैं बताता हूँ जिसको इन्होंने पांच किया उसको उन्होंने छह कर दिया। हाँ और एक लिखो मोक्ष काम भक्ति तो शुद्ध के पहले मतलब शुद्ध लास्ट आ जाएगा और शुद्ध और योग के बीच में आएगा मोक्ष काम ठीक है मोक्ष काम
ठीक है, तीन सकाम, हाँ सकाम तीन, ठीक है, समझ में आया? थोड़ा दोबारा बोल रहा, हाँ दोबारा बोलना है, अब आप लोग बोलिएगा, नंबर वन सकाम, सकाम मिश्र, दूसरा निष्काम मिश्र भक्ति, तीसरा ज्ञान मिश्र, चौथा योग मिश्र, पांचवा मोक्षकाम, मोक्षकाम मोक्ष है उसकी इच्छा, भक्ति तो कर रहे पर अंदर में इच्छा भी क्या रखा है, मोक्ष की इच्छा रखा, और लास्ट वाला है केवल भक्ति, उसको मतलब ना मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, तो शुद्ध भक्ति नहीं बोलते, तो वही मोक्ष जो लास्ट वाला केवल भक्ति है उसको अनेक नाम है, अकिंचन भक्ति कहा जाता है, शुद्ध भक्ति कहा जाता है, अनन्य भक्ति कहा जाता है, अब ज्यादा नाम देके हम कंफ्यूज नहीं करेंगे ना लोगों को, प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ये छह समझ में आ गया। तो अभी जो हमने पढ़े ऊपर वाले तीन, ये क्या है, जो चार पढ़े थे ना, चार प्रकार के सुकृत है, चार प्रकार के सुकृत जो है अभी जो पढ़े हमने अभी, अर्थ जिज्ञासु, हाँ जो अर्थ चाहते हैं, थोड़ा डिस्ट्रेस है, टेंशन में, पैसा धन चाहते हैं, या थोड़ा ज्ञान भी चाहते हैं, और क्या है हमको बताइए, हमको भी जानना है आपकी भक्ति, लोग बहुत खुश हैं आपके इसमें, लोग भक्ति में क्यों आना चाहते हैं, वो देखते हैं सब खुश है यहाँ पे, बाकी सब परेशान है, क्योंकि मोक्ष नहीं मिला तो टेंशन है ना, हमको मोक्ष नहीं मिला तो टेंशन आ जाएगा, तो फिर ये सब प्रॉब्लम है, तो इसलिए तो हाँ, तो फिर ये रहा, और अर्थार्थी में एक उदाहरण क्या है, ध्रुव महाराज का आता है, जो धन चाहते थे, ठीक है, ज्ञानी में सुखदेव गोस्वामी, जिज्ञासु में, जिज्ञासु में शौनक अधिऋषि, ठीक है, हाँ। तो अब इसमें कहा गया है, अब थोड़े पॉइंट्स ध्यान में देखिए, ये चारों जो है ये प्रधानी भूत भक्त कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, प्रधानी भूत भक्त, यानी वो नीचे वाले लोगों की तरह नहीं आएंगे, जो लैडर के नीचे थे ना, ये भक्ति के अंदर का लैडर है छे, समझ रहे, मतलब सेम लैडर अंदर भी है, लेकिन वहां क्या प्रधान है, भक्ति, भक्ति प्रधान। अब जो है कर्म मिश्र भक्त में आएंगे, यही अर्थ जिज्ञासु और अर्थार्थी जो है ये सकाम मिश्र में आएंगे, और केवल भक्ति कहां आई थी, ये इसमें इसी अध्याय में, ये रामायण सिंह सबरी, क्या केवल भक्ति में आएगी, हाँ शबरी नहीं, शबरी आएगी, इसको तो इच्छा से भगवान के लिए, वो अनन्य भक्त में आएगी, अगर शबरी आएगी भी तो अनन्य भक्त में आएगी, अनन्य भक्ति ही तो भक्ति, हाँ केवल, अब हम केवल बोलते हैं तो आप अनन्य पूछते हैं, हम अनन्य बोलते थे तो आप केवल पूछते हैं, आप कम नहीं है, जब से आप सांसद जी को मिल के आए, अब एकदम बैटरी चार्ज हो गया आपका, हम केवल बोलते तो आप अनन्य बोल देते, हम अनन्य भी बोलते आपकी इच्छा के लिए, तो आप केवल बोल देते, तो ठीक है, तो बात समझ में आया कि ये पहले तीन जो है ये क्या है, सकाम है, मैं कुछ बोल रहा था, हाँ केवल भक्ति कहाँ है इस अध्याय में, उसका गुण बताया है हमने, पढ़ा भी है, पहला श्लोक खोलिए, सातवा अध्याय, मही आसक्त मनः, इसका गुण अलग है, ये कैसा होता है, आसक्त होता है, ये पहला ये भक्त है, ठीक है, हाईएस्ट, भगवान कैसे चालू करते मालूम है ना, भगवान बहुत स्मार्ट है, मई आसक्त मना पार्थ, आसक्त है वो, ठीक है, फिर अगर आपको केवल भक्ति के और उदाहरण चाहिए तो आठवें अध्याय का, अच्छा केवल बाद में जाएंगे, फिर भी चाहिए तो खोल लो, आठवें अध्याय का चौदह खोलो, आठवें अध्याय का चौदह में भी आएगा अनन्य भक्त, तो उसमें लिखा है ना अनन्य चेत सततम, आया कि नहीं, यो माम स्मरति नित्यशः, यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, तस्याहं सुलभा पार्थ, उसके लिए मैं क्या हूं, सुलभ, तो क्या आ गया वो केवल भक्ति, और एक आएगा नौ तेरह खोलो, नौ तेरा, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्, महात्मानस्तु माम पार्थ, वो जो सीधा
मेरी दैवी शक्ति का शरण लेता है। नौवे अध्याय का 22वां खोलो। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आ गया तो ये कौन सब आगे उदाहरण? अनन्य भक्ति, केवल भक्ति, अनन्य भक्ति, अकिंचन भक्ति, शुद्ध भक्ति, ठीक है। अब योग मिश्र भक्ति का उदाहरण ले लो, 8:12। आठवें अध्याय का 12वां श्लोक खोलो। संयम्य तो योग मिश्र आ गया कि नहीं? माध्यम क्या लिया उसने? योग लिया, पर प्रधान भूत में क्या था? भक्ति था। समझ में आया? ये वो नहीं है जो छठे अध्याय का नहीं है, ये समझ रहे हो ना? फरक छठे अध्याय में लिखा ना कि उसको ऐसा चित्त को ये करते हुए मुक्त होना है, लेकिन इसमें वो नहीं है। इसमें प्रधान क्या है? भक्ति। ठीक है, ये योग मिश्र हो गया। और अभी जो यही श्लोक का जो चौथा कैटेगरी था, कौन? ज्ञानी। ये क्या होगा? ये ज्ञान निष्काम ज्ञान मिश्र भक्त होगा। यानी बेसिकली अगर आप निष्काम और ज्ञान को एक कर देते हो तो एक कैटेगरी बन जाता है, या निष्काम कर्म और ज्ञान दोनों में आएगा। अगर ऐसे भी डिवाइड करोगे तो दोनों कैटेगरी में आ जाएगा। एक्चुअली विश्वनाथ चक्र ठाकुर दो डिवाइड कर देते तो छह बन जाता है, बलदेव देवशण उसको दो एक कर देते तो पांच बन जाते हैं। मतलब बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं, आप छह कर दो ताकि हमारे आगे के श्लोकों में हमको समझने में काम आएगा। हो गए सारे? सकाम हो गए। सकाम में जो इसी कैटेगरी के पहले तीन थे वो सकाम थे। निष्काम ज्ञान हो गया, योग मिश्र हो गया, केवल हो गया, एक बच्चा कौन सा? मोक्ष का। तो मोक्ष का 29 खोलो, 7वें अध्याय का 29 खोलो। क्या बोलते हैं? जरा मरण मोक्षाया मामाश्रय यदति मे ते ब्रह्म तद्वितु कृत संबंधार्थम कर्म चाकिलम। ठीक है, ये मोक्ष काम भक्ति, इसकी इच्छा क्या है? मोक्ष। समझ में आ गया? अभी तुमको समझ में आएगा किसके लिए क्या कहा है, अभी से लेके 12वें अध्याय में। अब तुम्हारा डीकोड हो गया, अब तुम लोग सारे अध्याय अकेले भी पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं पढ़ाऊंगा। अब मैं आपको निष्काम रूप से पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको सब आ ही गया। ठीक है, तो यहाँ पे भक्ति जो है प्रधानीभूत भक्ति, जिसको आप केवल, जिसका अंतिम गंतव्य केवल भक्ति है। प्रधानीभूत में सब आ जाएंगे छह, और टॉप मोस्ट क्या है? केवल। तो ध्यान रखना, जब इसमें ना भगवान बोलते हैं कि वो मेरे बिना रह नहीं पाता है ना, या वो, तो वो एक्चुअली ये अभी ज्ञानी की बात करेंगे, और एक एक आएगा आगे जाके जब वो बोलेंगे मैं उसके बिना नहीं रह पाता, एक क्षण भी नहीं रह पाता, तो वो केवल वाला है। भगवान गीता में बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु। खोलो तो 9:27-28 होना चाहिए। समोहम सर्वभूतेषु, हाँ भगवान अभी यहाँ पे इसे 29 29 है ना, हाँ 9:29 खोलो, 9वां अध्याय का 29वां श्लोक। भगवान कह रहे समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या तैमयितेषु चाप्यहम्। वो कह रहे हैं कि समोहम सर्वभूतेषु, सभी जीवों के लिए मैं समान हूँ, वो परमात्मा। लेकिन अगले लाइन में प्रूव कर देते कि मैं वो नहीं हूँ। क्या कहते हैं? ये भजन्ति तु मां भक्त्या, लेकिन मेरा जो भक्त है उसके लिए मैं खास स्पेशल ऑफर्स देता हूं। तो इससे पता चलता है कि भगवान के लिए जो केवल भक्त है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बाईपास कर दे रहे हैं अपने ही लॉ को, बाईपास कर दे रहे हैं।
होता है, आप कितना भी बोल दो, इससे एक चीज क्या पता चलता है कि भगवान व्यक्ति है। अगर वो ब्रह्म होते तो दो चीज नहीं कर पाते, मतलब वो या तो सबके समान बोल दिया तो बोल दिया समान, फिर आप भक्ति कर रहे हो तो भी ओके, नहीं किया तो भी नहीं, वो बोल रहे हैं जो भक्त है वो स्पेशल रहता है। इससे जैसे आप लोग भी है, आप कितना भी बोलिए सब लोग लाइन में प्रसाद लेगा, सब पहले छोटे लेंगे ये लेंगे, हम कितना भी बोल देंगे लास्ट में जो नियम भरा देना खुद ही बोलते हैं ठीक है ठीक है तू, क्योंकि वहां क्या है वो पर्सन है, कौन आया है, कोई गेस्ट आया है, नहीं समझ रहे हो, वो एक दिन के लिए आया है, उसको आप थोड़ी कानून पे लगा दोगे, वैसा चीज है। तो वो व्यक्ति विशेष, आप व्यक्ति हो तब ये करोगे, अब व्यक्ति नहीं हो मशीन हो, रोबोट ये नहीं करेगा, रोबोट क्या करेगा वो बैरिकेड लगा देगा फास्टैग वाला। पहले क्या होता था टोल पे आदमी रहते थे तो गाड़ी जाते थे ना, अरे क्या महाराज जी ठीक है प्रसाद है चलो प्रसाद है गाड़ी छोड़ रहे, और टोंग करके खोल देता था। अभी क्या है महाराज हम खोलना भी चाहे तो नहीं खोल सकते, फास्टैग वाला है तो लगाओ स्टिकर फास्टैग का बिल भरो, आप समझ रहे हो। तो इसका मतलब पता चलता है मैकेनिस्टिक और व्यक्ति विशेष, तो इससे पता चलता है भगवान अव्यक्त केवल नहीं है अपितु एक व्यक्ति भी है। तो यहाँ पे तो उसको कहते हैं केवल भक्ति। तो प्रधानी भूत भक्ति में होता है कि प्रधानी भूत कार्य जिसमें भक्ति प्रधान है, और गुणी भूत भक्ति में क्या होता है, गुणी भूत भक्ति क्या होता है गुण प्रधान, हाँ गुण प्रधान है, कौन सा गुण, कर्म ज्ञान योग ये प्रधान है। वो कहाँ गया लैडर के जो वो वाला लैडर, निष्काम कर्म योग सकाम कर्म, ये जो लैडर था यो ध्यान योग ज्ञान योग ये जो था ना लैडर, ये इसकी बात हो, ये हो गया गुणी भूत, यानी वहां पे भक्ति गौण है और यहाँ पे भक्ति प्रधान है, मुख्य है, यहाँ पे राइस ज्यादा है। जैसे आप साउथ इंडिया में चले जाओ तो राइस ही भूत भक्ति है वो, उनका लेमन राइस टैमरिंड राइस पुड़ियों वगैरह क्या क्या नाम पढ़ पढ़, मतलब फिर भी मैं उनके सारे राइसों में पुड़ियों वगैरह का डायर्ड फैन हूँ। मुझे आज भी याद है वरदराज स्वामी के दर्शन के लिए हम लोग गए थे ना, 10 घंटा लगा था, 10 घंटा दूसरा दिन, पहला दिन 5 घंटा लगा था, 5 घंटा लाइन में उधर लगने के बाद धक्का बुक्की का लाइन खाने के बाद इतने रश में हम लोग 1 घंटा पुड़ियों वगैरह वाले लाइन में पता लगे पुड़ियों का राइस लग रहा है। हमने बोला दो दे, बोलते नहीं, एक ही बोला अरे सर 1 घंटा लगा इधर आने में दो तुम, तो समझिए बाहर वाला बेचारे को तमिल भी नहीं आता है, तो दिया दो द्रोण काय बल्टी के हम लोग बोला। तो वो राइस भूत भक्ति, साउथ में आप जाओगे रोटी दिखता ही नहीं है, मतलब रोटी आपको एक दिख गया तो मतलब आपको अरे रोटी है, और नॉर्थ में आइए तो रोटी नहीं आपका थाली फेंक देगा, कैसे कैसे रोटी नहीं है, 3 टाइम होना चाहिए, 12-12 खाते समझ रहे हो। तो ये प्रधान क्या है, भक्ति प्रधान है, और वहां पे क्या प्रधान है गुण, कर्म का ज्ञान का योग का इत्यादि का, बात समझ में आया, लैडर क्लियर। तो आप लोग अपना एक लैडर बना लीजिए, कर्म कांड सकाम कर्म निष्काम कर्म योग ज्ञान योग ध्यान योग भक्ति योग, भक्ति योग में एक लैडर बनाइए, सकाम कर्म मिश्र भक्ति निष्काम कर्म मिश्र भक्ति ज्ञान ज्ञान मिश्र योग मिश्र मोक्ष काम और केवल भक्ति, हरे कृष्णा। समझ में आ गया, इसलिए ये लैडर समझेगा तभी 12वां अध्याय के श्लोक समझेंगे, नहीं तो 12वें अध्याय का जो बीच वाला पैच है ना 7 से 12 के आसपास वाला वो एग्जैक्ट नहीं समझता कैसा है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नहीं समझते, हरे कृष्ण। ठीक है, जैसे आपको उदाहरण चाहिए तो कर्म मिश्र भक्ति में जो 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 लोग भक्ति करते हैं तो उनकी उनकी क्या रहती है, मतलब कर्म कुछ प्राप्त करने की इच्छा भी रहती है, तब तो थोड़ा कर्म भी उसमें लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को जैसे ये अभी 3 कहे गए ना, जो कौन से आर्तो अर्थार्थ और जिज्ञासु, ये तीनों को कुछ चाहिए, तो जिसको जो चाहिए क्योंकि भक्ति कर रहा है वो दे भी देते हैं और भक्तों का संग भी दे देते हैं, जिससे वो आगे जाके केवल भक्ति की तरफ बढ़ता है। बात समझ में है, किसी को धन चाहिए तो कोई आ भी गया भगवान के पास, तो ऐसे नहीं कि भगवान
गेट आउट, नहीं भगवान देते हैं, देते हैं मतलब जरूरी है उतना बराबर संभाल के देते ताकि वो मतलब भक्ति को मेंटेन करे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है हम सोचते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, नहीं भगवान जानते हैं किसको क्या देना है। तो इसको इसलिए उनका प्री डोमिनेंस होता है सुख और ऐश्वर्य। तो ऐसे लोगों को अगर लिबरेशन मिलता भी है तो सालोक के लिबरेशन मिलता है, कौन सा सालोक के, यानी भगवान के ही लोक में उन्हें प्रवेश मिलता है, समझ रहे। पांच प्रकार के मुक्तियां हैं, कौन से सायुज्य जो अव्यक्तवादियों को मिलता है ब्रह्म में विलीन होने का, सारूप्य एक ही रूप भगवान की तरह, सालोक्य सारष्ट्री सामीप्य, ठीक है पांच मुक्तियां जिसमें भक्त कभी भी सायुज्य नहीं मांगते, चाहिए ही नहीं है, ब्रह्म में कौन जाएगा उसने के लिए, वो चार में से। तो ये सालोक्य किसको प्राप्त होता है, कर्म मिश्र भक्त को सालोक्य प्राप्त होता है। और इसका प्रमाण कहां है, इसका प्रमाण कहां है, और वो और ये जो सालोक्य प्राप्त होता है भगवान का ही धाम प्राप्त होता है, वो देवताओं को जो लोक है वो प्राप्त में क्या होता है कि देवता खुद गिर जाते हैं, उनका टाइम खत्म होते है, तो आपका भी जो टाइमर है वो शॉर्ट रहता है, ठीक है ना। जैसे 9:25 में कहा गया ना, क्षीणे पुण्य मरते लोकम विशंति, एक बार क्षीण हो गया पुण्य तो नीचे गिर जाते, वैसे उसका नहीं है, वो एक बार गया तो गया, यद गत्वाना निवर्तन्ते। तो इसका श्लोक कहाँ है मैं बता रहा हूँ आपको, ये अपने ही सातवें अध्याय में है कि जो जहाँ चाहता है अंतवंतु फलम तेषाम, हाँ मत तद भवति अल्पमेधसाम देवान देव जो यान्ति मत भक्त यान्ति मम इच्छा। 7:23 सातवें अध्याय का 23 खोलिए, इस बात की पुष्टि हो रही है कि अगर कोई कर्म मिश्र भी कर रहा है तो वो भगवान के धाम में। अंतवंतु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देवये जो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो क्या कहा है, मद्भक्ता यान्ति मामपि, अगर देवताओं को भजन करोगे तो देवताओं के लोक में जाओगे, लेकिन मेरा करोगे तो मेरे धाम जाओगे। तो सकाम मिश्र भक्ति भी करोगे लेकिन प्रधानी में भक्ति है तो आप कहां पहुंचोगे, मेरे धाम, ठीक है। दूसरा है ज्ञान मिश्र भक्ति, ठीक है। ज्ञान मिश्र जो है वो कर्म मिश्र से बड़ा माना गया है, क्यों, क्योंकि ज्ञान अगर हम लेते रहेंगे तो धीरे धीरे शुद्ध भक्त आगे भक्ति में वृद्धि होता रहेगा। हाँ, अगर हम ज्ञान मिश्र लेते रहेंगे तो धीरे धीरे शांत रति या भाव को हम लोग प्राप्त हो जाएंगे। कर्म में क्या है, इच्छाएं हैं, ये इसमें ज्ञान में इच्छा नहीं नहीं है, अपितु वो पूरा चखा भी नहीं है, वो थोड़ा कम है, इसने भी चखा नहीं इसने भी चखा नहीं, लेकिन इसकी इच्छाएं नहीं है, तो ये बड़ा है माना। तो अगर कोई कर्म मिश्र है वो अपनी इच्छाओं को छोड़ दे, निष्काम कर्म मिश्र हो जाए तो स्वाभाविक है उसका क्या बन जाएगा, ज्ञान मिश्र बन जाएगा, और ज्ञान मिश्र से शांत रति की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को कभी कभी भगवान के धाम में शांत रस में प्रवेश मिल जाता है। और अगर वो और भी थोड़ा तीव्र हो जाए तो उनको प्रेम रस का भी आस्वादन हो सकता है, जैसे इसमें सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण आता है। और शुद्ध भक्ति है जिसको अनन्य भक्ति, अकिंचन भक्ति और उत्तम भक्ति भी कहा जाता है, केवल भक्ति भी कहा जाता है, ये तब ये अगर कोई कर ले तो दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य इन सभी लीलाओं में भगवान के साथ प्रवेश हो जाता है और वो भगवान का निकट पार्षद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निकट पार्षद बन जाएगा। लेकिन आप जितना नजदीक का बनने जाइएगा उतना आपको स्वार्थता छोड़नी होगी, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया, अब आपको 17 से लेके आगे जो श्लोक हैं ये फटाफट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। 17 खोलिए, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अहम् स च मम प्रियः।
इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। अब ये किसकी बात हो रही है? केवल ज्ञानी। इन तीन, इन चारों में चौथे की, ये जो चार थे ना सुकृत, उनमें से किसकी बात हो रही है? ज्ञानी की, चौथे ज्ञानी की। अभी याद रखो, भगवान ऐसे नहीं बोलते कि मैं उसके बिना रह नहीं पाता, मुझे वो मुझे प्रिय है, मैं भी उसे प्रिय। थोड़ा फर्क है, आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, जब केवल भक्ति का बात आएगा तब आपको और गाढ़ा समझ में आएगा। एक होता देखो प्रेम, प्रेमतर और प्रेमतम। तो प्रेमतम यानी प्रेम आतुर। तो जैसे आपको पता चला कि, जैसे कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी आप कभी मुंबई आएंगे तो प्लीज हमको बताइएगा, हम आपको मिलना चाहते हैं। मैं भी सोचता हूँ शायद मिलना चाहता है, फोन करता हूँ प्रभु जी आप किधर हैं, तो मैं बोला मैं अंधेरी में हूँ। ओ प्रभु जी मैं तो डोंबिवली में रहता हूँ। तो मैं मन ही मन सोचता हूँ जब मिलना ही नहीं था तो फिर फालतू मेरे को कितना लोड रहता है, मैं तो लिख के रखता हूँ कि भाई इसको इच्छा है मिलने की। उसे क्या समझता है कि भैया रिस्पेक्ट करता है, ऐसा नहीं कि मेरा दुश्मन है, रिस्पेक्ट करता है, मिल जाता तो हरी बोल का कहना प्रभु जी मैं तुमसे लेक्चर आई तो हो गया। प्रेमतर क्या है? प्रेमतर है मतलब कि मतलब यू नो बोल दिया मैं बॉम्बे में हूँ, प्रभु जी आप किधर है बॉम्बे में, प्लीज प्लीज आप कहाँ पे, बोले मैं इधर मीरा रोड, प्रभु मैं अभी आ रहा, आप वेट करो, वो सब छोड़ छाड़ के उधर आ जाता है। तो ये हो गया प्रेमतर। प्रेम आतुर क्या है मालूम है? वो कैसे तैसे एक तो बात करेगा, फोन करेगा, फोन लग गया, प्रभु जी मैं आपको मिलने आ सकता हूँ उधर आपके उधर, आप अलाउ करेंगे? तो बोलता नहीं नहीं अभी रहने दो मैं आऊँगा तभी, मेरे को आपको मिलना ही है, कैसे भी हो मैं इधर कैसे भी आ जाऊँगा। और ट्रेन में कैसे भी बैठ के आ जाता है तो फिर क्या होता है, उसको लेने जाने में मुझे जाता है, लगता है कि भैया वो इतना दूर से मेरे लिए आए तो कम से कम मैं गाड़ी से उसको स्टेशन से यहाँ लेके आ सकता हूँ। ये है तीनों में, कोई ऐसे नहीं कि तीनों एंटी है उतना ही, प्रेम का लेवल उतना। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी आपके खुट्टा में आने का बड़ा मन कर रहा है लेकिन आए नहीं, ठीक है आप उल्लू मारा सकते हो लेकिन हम इधर शास्त्र पढ़ के बैठे हैं। प्रभु जी बहुत मजा आएगा वहां, पेड़ है पौधे हैं लेकिन आ रहे नहीं रहा है, मालूम है भैया उधर नीचे सोना पड़ेगा, गुरु जी लोग सुबह उठना पड़ेगा, मेरे जो अपने सेटअप है उसको छोड़ना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी आपके यहाँ गाय, मैं ना ये कर दूंगा, वहां आऊंगा तो कभी वो बना दूंगा, ये गोटिया बना दूंगा, उसको वो बना दूंगा, सब बोलते हैं लेकिन कभी नहीं आते, समझ रहे हो? तो ये बोलने का बात है। कुछ लोग हैं ना वो इतने आतुर थे कि वो मतलब यू नो वेट करते हैं। तो ये तो हम लोग जीव है, चलो जीव का तो बात छोड़ सकते हो, कृष्ण के लिए जब ये लेवल आता है व्यक्ति का कि मैं भक्त हूँ और भगवान तो मेरे ऊपर कृपा करेंगे ही, हो गया प्रेम। प्रेम है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेम तर यानी वो बहुत मतलब उसको पता चला कि मतलब भगवान का दर्शन यू नो होने वाला, तो बहुत आतुर है वो। और तीसरा है जब एकदम व्यक्ति जो है वो पगला जाता है, वो मतलब उसको वो अभी से उसमें घुस जाता है, अभी से वो मेडिटेशन चलो तो उसको टाइम ही गायब हो जाता है, उसके बीच का जो टाइम होता है ना साल है दो साल है गायब हो जाता है। जैसे मुकुंद दत्त को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुमको 1,000,000 10,00,000 जन्म के बाद कृपा मिलेगी, वो पगला गया तभी से नाच पार्टी दे दी उसने, बोला 10,00,000 जन्म बाद भगवान मुझे मिलने वाले। हमको बोला तो हम लोग बोले ठीक है फिर मैं अभी क्यों भक्ति करूं, 84,00,000 एक बार घूम के वापिस आ जाता हूं। आप बात समझे? तो यहाँ पे वो लेवल्स की बात हो रही है। तो अभी भगवान किसकी बात कर रहे हैं? वो ज्ञान की बात कर रहे हैं। सकामी जो है उसकी तो मैं इच्छा है पूरी कर देता हूं, परंतु ज्ञानी जो है तेषाम ज्ञानी लिखा है देखो ज्ञानी, उनमें कौन ज्ञानी नित्य युक्त, क्योंकि वो क्या रहता है मेरे साथ हाँ नित्य युक्त रहता है हमेशा मेरे बारे में, उसको कोई भी लाइक सकाम वालों का क्या रहता है नित्य युक्त वाला काम सकाम में नहीं। बात समझ में आ रहा है? ये ग्रेडेशन आपको बनाना होगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो नित्य युक्त है हाँ, एक भक्ति विशिष्यते, और इसका एक ही काम है क्या एक भक्ति, मतलब इसका कोई एक भक्ति नहीं है, ऐसे नहीं कि देव लाइक थोड़ा देवताओं के वजह चक्कर काट के आ रहा है। कभी कभी सकाम मिश्र में भी क्या होता है भगवान ने नहीं दिया तो थोड़ा जाके आते हैं,
भगवान तो गणपति बाप्पा मोरिया गजानना गजानना पार्वती वल्लभ गजानना थोड़ा देर है बाबा तो ये थोड़ा वैसा नहीं होता, ये थोड़ा फिक्स्ड रहता है नॉलेज में। ये एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी, तो प्रिय है मुझे ये, क्या है ये प्रिय है और मैं भी इसे प्रिय हूं। और अत्यर्थम शब्द कहा गया, अत्यर्थम यानी एक्सेसिवली, ये बहुत मतलब मुझे प्रेम करता है, एंड इसलिए क्योंकि वो मुझे एक्सेसिवली प्रेम करता है तो मैं भी उसे एक्सेसिवली प्रेम करता हूं, क्योंकि मैंने ये कहां प्रॉमिस किया था, चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में बोला था, क्या बोला था, ये था माम प्रपद्यन्ते तामसते वजाम में, हम तुम मुझसे जैसा करोगे मैं भी करूंगा, तुम एक्सेसिव प्रेम करोगे तो मैं भी एक्सेसिव प्रेम करूंगा, तुम आ ही गए सब छोड़ छाड़ के तो फिर स्टेशन लेने हम जाएंगे, तुम बोलोगे हाँ हम देखेंगे प्रभु जी आएंगे, चलो तुम आई आई एकदम, आप जब भी हाँ जी जब कोई बात नहीं, लॉकडाउन लंबा चलने वाला, आप जब आइए तब आइए, पता चला लॉकडाउन का तो आएगा, हम लॉकडाउन यहाँ थोड़ी रहने वाले, हम खुद भागेंगे तो ये बोलने का बात होता है। तो ये ऐसा है, तो भगवान भी बहुत स्मार्ट है, आप कितना प्रेम से उन्हें प्रेम करते हो उतना ही वो आपको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एक पॉइंट यहाँ का आ गया है, ही डज नॉट लीव मी एट इवन एट द स्टेज ऑफ साधना और परफेक्शन, मतलब साधना होने पर या परफेक्शन होने पर वो मुझे छोड़ नहीं देता। जैसे सकाम मिश्र भक्त जो है वो क्या करता है, कभी कभी ऐसा है कि भक्ति तो करता ही है लेकिन उसमें उसकी इच्छाएं रहती हैं थोड़ी थोड़ी, वो पूरा करने के बाद थोड़ा भगवान को भूलने का चांस थोड़ा है, मतलब थोड़ा रिलैक्स होने का चांस है, मेरा काम हो गया ऐसा। और यहां कहा गया कि ऐसा जो ज्ञानी है, तो आप ऐसा अर्जुन कहते तो ऐसा तो नहीं ना कि ये मतलब ज्ञान की इसकी इच्छा पूरी हो गई, बोले ना 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 ना, एक बार इसे मेरे को प्रेम होने लगा ना तो इसका ये ज्ञान सिर्फ नाम के लिए रहता है, ये ज्ञानी केवल नाम के लिए है, उसके बाद ये ज्ञानी ये बेसिकली भक्त बन गया टोटल। हमने लेटर में क्या देखा, निष्काम कर्म योगी, कर्म करते करते उसे ज्ञान आ जाता है, तो बेसिकली वही ज्ञान योगी हो गया, मिक्स हो गया ना उसके अंदर, ऐसे अंदर अंदर जा रहा है सब। तो लास्ट में ये जो है भक्त, क्योंकि वो ज्ञान के बाद मुझे प्राप्त कर लेता है तो बेसिकली वो टोटली भक्त हो गया, ज्ञान केवल ज्ञानी केवल हो नाम के लिए। ठीक है 18 खोलो, उदारः सर्वम् एवैते ज्ञानिनात्मैव मे मतम् आसिता संयुक्तात्मा मामेव अनुतामाम गतिम्। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूं, वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो यहां क्या कहा कि ऑल दिस डिवोटीज, ऑल दीज डिवोटीज, जो ऑल दीज यानी सारे, कौन से है, कौन से अर्थ जिज्ञासु सारे चारों, मतलब वो तीनों सकाम वाले भी और ये एक ज्ञानी या निष्कामी वाला भी मिला के, दे आर ऑल मैग्नानिमस, मतलब उदार है, ऐसे नहीं कि इनको उनमें मैं काउंट करना, उधर बाहर वालों सकाम और ये बहुत उदार है। बट ही सिचुएटेड इन नॉलेज, लेकिन इनमें भी जो ज्ञानी वाला है ना वो मुझे वो I consider very little to dwell in me, वो मुझ में अपनी चेतना को रखता है, being engaged in my transcendental service he attains me, ठीक है। तो यहां कहा गया ऐसा जो व्यक्ति है वो भगवान से आदान प्रदान करते, जो मैंने अभी समझा है वही यहां है। तो यहां एक श्लोक कहा गया है 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 57वां श्लोक श्रीमद् भागवतम से कोट किया, भक्त एक भक्त की स्थिति बताई गई है। यहां कहा गया है अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विजा साधु वीरग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रिय, द डिवोटीज आर ऑलवेज इन माय हार्ट। अहम भक्त पराधीनो, भगवान पराधीन हो जाते हैं किसके, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, भट में लिपट गए वनवारी, निरख रहे नर नारी, राधे श्याम श्याम श्याम, 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 श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। कितना सुंदर है ना,
एक पट में भागते हुए भागते आ जाते, भगवान पगला जाते हैं। डिवोटी ने आवाज दे दिया, भगवान को रहा नहीं जाता, सब छोड़ के भाग के आ जाते हैं। तो ये है, तो दिस एक्सचेंज ऑफ अफेक्शन। तो यहाँ पे कहा गया कि द डिवोटीज आर ऑलवेज इन माई हार्ट एंड आई एम ऑलवेज इन द हार्ट ऑफ द डिवोटीज, साधु नाम हृदय मय्यम, मैं साधु के हृदय में ही रहता हूँ। द डिवोटी डज नॉट नो एनीथिंग बियॉन्ड मी एंड आई ऑल्सो डू फॉरगेट एवरीथिंग, भगवान सिर्फ उसी को याद रखता हूँ। पर ऐसे भगवान के असंख्य डिवोटी है, हम एक टाइम एक ही को याद कर सकते, भगवान सबको भी याद कर सकते। ये स्टेटमेंट कौन बोल सकते हैं? सिर्फ भगवान बोल सकते हैं, हम लोग नहीं नहीं बोल सकते। तो यहाँ एक आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ कहा गया है कि हियर ज्ञानी में भी कंसिडर्ड नॉन डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड। तो कोई ये कह सकता है कि अभी एक हो जाता है, बोला है ना, क्या कहा है देखो, उदारासन ज्ञानी युक्तात्मा कहा गया, देखो क्या कहा, मैं उसे अपने ही समझ समझता हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो कोई ये कह सकता है कि क्या ये देखो वो ज्ञानी जो है जो होने का तो भक्त हो जाएगा, भगवान बन जाएगा। हाँ, तो ऐसा कहा कोई कह सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं रेफ्यूटेशन क्या देते हैं आचार्य, वो कहते हैं बट दैट इज नॉट द गोल ऑफ ज्ञानी, लेकिन ज्ञानी का वो गोल था ही नहीं, तो वो मिला ही कैसे? अरे भैया मुझे कलकत्ता का ट्रेन में बैठा ही नहीं हूं मैं, तो कलकत्ता तुम कैसे बोल दोगे पहुंच गया? तो ये सोच तुम्हारे खोपड़ी में है, उसके खोपड़ी में नहीं है। एंड दूसरा आर्गुमेंट लॉजिक क्या है, एंड नो स्टेटमेंट टॉकिंग ऑफ रिजल्ट ऑफ फोर टाइप्स ऑफ वर्शिपर्स, और कहीं भी इन चारों के रिजल्ट के बारे में नहीं बताया गया है कि वो एक हो जाते हैं, समझा? तो वो सवाल ही नहीं है, ठीक है। एंड बिकॉज एल्सवेयर डिफरेंस ऑफ जीवा एंड लॉर्ड इज ऑलरेडी गिवन इन द स्टेट ऑफ, इवन इन स्टेट ऑफ लिबरेशन, कि लिबरेशन में भी ये दोनों हमेशा अलग रहते हैं, ये दिया है, तो वो एक होने का बात ही नहीं है। कहां पे आता है दोनों हमेशा अलग रहेंगे? कमेंट वाले, देखो कमेंट वाले बुद्धिमान लोग होते हैं तो रोज ज्यादा कहां कहा गया है कि हम एक हमेशा अलग रहते हैं? दूसरे अध्याय में नहीं बोला था? इतना पढ़ाने के बाद भी मजा नहीं आ रहा है। 2:12 नत्वेवाहं जातुनासं नत्वं नेमेजन्ते न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मता परम्। ये राजा थे हैं और रहेंगे, तुम है रहोगे, मैं भी, हम एक नहीं। तो यहाँ कहा गया तो माय आत्मा, इसलिए कहा गया है आउट ऑफ लव, जैसे हम बोलते ना अरे ये तो मैं ही हूँ, मतलब जैसे कभी कभी कोई डोनेशन देता है, तो कभी डोनेशन देता है तो अभी हमारे सामने कोई किचन इंचार्ज देता है, बोलता है इसी को दे दीजिए, ये मैं ही हूँ, मैं नहीं हूँ, मतलब आप उसको बोलोगे ये मैं एक शरीर थोड़ी है, एक आत्मा भी नहीं, मैं ही हूँ, यानी उस कार्य के लिए हम दोनों एक ही, मतलब उसको दीजिएगा वही सब्जी लाएगा, मुझे भी दीजिएगा, मैं लास्ट में मैं उसी को दूंगा जहाँ सब्जी ले गया, तो हम दोनों अलग नहीं। तो इसे भगवान कहते हैं हम दोनों अलग नहीं, हम मम आत्मा हो जाते हैं, माय आत्मा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? कमेंट में लिखा था कोई 2:12 लिखा था, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि ऐसे जो ज्ञानी है, चौथा वाला ज्ञान मिश्र की जो बात हो रही है, ही डिजायर्स नाइदर स्वर्ग नॉर मोक्ष, न वो स्वर्ग चाहता है ना मोक्ष चाहता है, ठीक है। तो ज्ञान मिश्र भक्त जो है कंसिडर्ड बाय लॉर्ड एज हिज ओन सेल्फ, बट केवल भक्त इज डियरर देन हिज वेरी सेल्फ, इसका प्रमाण आएगा, मैंने बोला ना आपको फर्क है, उसमें क्या है वो भगवान को डियर है, बट ये भगवान कहते हैं वो मुझे अपने से भी ज्यादा वो डियर है, फर्क आ रहा है ना, समझ लो। केवल भक्त का लेवल बताया है जो 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में आता है, कहा गया है न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर न शंकर न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान, कहता है मुझे उस भक्त से, मतलब वो कह रहे हैं माय डियर उद्धव, नाइदर लॉर्ड ब्रह्मा नॉर लॉर्ड शिवा लॉर्ड संकर्षण गॉड इज ऑफ फॉर्चून नॉर इंडीड माय ओन सेल्फ आर वेरी डियर टू मी एज यू आर, आप मुझे इन सबसे भी ज्यादा और मुझे अपने से भी ज्यादा आप प्रिया। ये किस भक्त का बात हो गया, ये केवल, इससे बता दे कि केवल का लेवल इससे हाई है। उसका और एक प्रमाण आता है 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 64वें श्लोक में आता है, नाहम आत्मानम अशशे मद भक्तई
साधुभीर विना ओ बेस्ट ऑफ ब्राह्मणास विदाउट सेंटली पर्सन्स फॉर हुम आई एम ओनली डेस्टिनेशन आई डू नॉट डिजायर टू एन्जॉय माई ट्रांसेंडेंटल ब्लिस एंड माई सुप्रीम ऑपुलेंसेस. मतलब मेरे उन साधुओं के बिना मैं अपने इन ऐश्वर्यों का भी भोग नहीं कर रहा, उन भक्तों के बिना. तो भगवान किससे बने हुए हैं? भक्तों के बिना भगवान भी अधूरे हैं. बात समझ में आ गया? वो केवल भक्तों की बात हो रही है. फिर दसवें स्कंद के 29वें अध्याय के 42वें श्लोक में यही प्रमाण आता है, जहां कहा गया है आत्मा रामोपि हरि रामात लॉर्ड ऑल्दो सेल्फ सेटिस्फाइड मर्सीफुली एंजॉयड विद देम द गोपीज. भगवान गोपियों के साथ किया था. ठीक है. अब ये जो ज्ञानी की अवस्था है, जो ज्ञानी ज्ञान मिश्र भक्त है, उसकी अवस्था कब आती है? बहुनाम जन्म नामं त्यागला श्लोक ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा. उसे क्या समझ जाता है? सब हाँ वो समझ जाता है. अरे वासुदेव सर्वमिति, ये सभी जो भी सर्वमिति यानी सब जगह वासुदेव, ऐसा नहीं, वो तो हर जगह परमात्मा के रूप में है, लेकिन ये सारा किसके कंट्रोल में है? वासुदेव, वासुदेव के कंट्रोल में है. तो मैं अलग हूं कब? क्योंकि इससे पहले वो जो ज्ञानी रहता है, अगर वो सन्यासी भी है तो लाइक निष्काम भी है, तो क्या सोचता है? मैं धन की आसक्ति नहीं रखूंगा, मैं ये नहीं करूंगा. प्रभुपाद बोलते मैं ऐसे फोटो लूंगा पैसे के साथ. क्यों? भगवान की सेवा में लगा रहे हो. लक्ष्मी है, लक्ष्मी को लक्ष्मी की सेवा में लगाएंगे, भगवान राधा कृष्ण नारायण की सेवा में. तो इसीलिए भक्त जो है युक्त वैराग्य होता है. वो क्या होता है? युक्त वैराग्य. उसे ये सब आसक्ति नहीं होती, मतलब नहीं छूने की आसक्ति भी नहीं होती और होड़ की भी आसक्ति नहीं, जितना जरूरी उतना रखिए. जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, वो हरी टाकी खाते थे. हरी टाकी क्या मैं भी नहीं जानता, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कुछ खाते शायद बुक वॉश टाइप खाने के बाद. तो उनका जो सेवक था वो हरी टाकी थोड़ा निकाल के रख लेते कल देंगे, तो उसको निकाल के बोलते जाओ तुम शादी कर लो, कि तुम गृहस्थ की तुम्हारे में गुण है. ये जो बचा के रखना है ना कल के दिन का, ये किसका स्वभाव है? गृहस्थ का. तो तुम सन्यासी के लायक है? तो जिनके लॉकर में बहुत कुछ मिल रहा है वो पूछे प्रभु जी मुझे विवाह करना चाहिए करना नहीं करना चाहिए, टेंशन मत लो, लॉकर खोलो, बहुत दिख गया शादी, इसको सीधा शादी करा दो. लॉकर खाली है, दो ठो लंगोट सूख रहा है, एक धोती है, एक तो किताब कोई पीछे अंदर है, तो समझो ये बेटा रहेगा बहुत टिकेगा. अच्छा इसका एक तो ट्रंक पड़ा है, ट्रंक के टेबल के नीचे ही पड़ा है, उसके उनचर वो पड़ा है, उसके अंदर एक सांप भी है, तो ऐसा नहीं. साधु को एकदम सिंपल होना चाहिए, एक 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 धोती कुर्ता एक झोला, उसके अंदर झोला भी आपको खरीदना नहीं है, वो जो उत्तरी होता है ना पुराना धोती का, वो गांठ मार के रख दो, उसके अंदर रख दो. कहता हूँ हाथ है खाने के लिए, तकिया है सोने के लिए, हवा है चल रहा है बाहर, क्या टेंशन है? हाँ या झोपड़ी तमाजा, महल की क्या जरूरत है? हाँ राजा से जी महाली सौखे कधी मिलाली ती सर्व प्राप्त झाली या झोपड़ी तमाजा. ठीक है चलो ठीक है मराठी में था. तो ये कह रहे हैं कि बहुनाम जन्म नाम अंते, तो कहते हैं कि शुरुआत में वो आसक्ति छोड़ देते हैं, प्रपद समझाते हैं, फिर वो थोड़ा अव्यक्तवादी चीज समझते हैं, और फिर उन्हें पता चलता है कि अरे अव्यक्त अंतिम नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ में आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव काम भी है. अब समझ रहे हो उसको? तो अरे दुनिया इतना अच्छा भी है आध्यात्मिक जीवन, अच्छा हम प्रसाद खा भी सकते हैं, ओह ऐसे कुछ पाप नहीं लगता. अरे वाह, क्योंकि उसको वहां क्या सिखाया था? कुछ नहीं खाना है, यहां उसको पता लगे आनंद है. फिर वो भगवान से आसक्त हो जाता है, फिर उनको शरणागति हो जाता है, और फिर उनकी कृपा से उनको बताते सारी भगवान की कृपा से सब हो रहा है. हाँ फिर वो उसको बदलते रहे, संसार तो भगवान का बस प्रतिबिंब स्वरूप है, हमें इस प्रतिबिंब के एंगल में नहीं अटकना है, लेकिन अभी तो उनके शक्ति को समझते नमस्कार करते उनके लीलाओं में सेवा करना है, ये समझ जाते हैं मुक्त हो जाता है. हाँ तो चांडिक उपनिषद में आता है 5:15 में, न वै वाचो
न चक्षुमशी न श्रोत्राणी न ममासीति अक्षतति जो भी तो वन डज नॉट कॉल दिस अ वॉइस एन आई और एन ईयर और अ माइंड दे आर कॉल्ड प्राण प्राण अलोन इज ऑल दीज थिंग्स तो बेसिकली ये रेफरेंस इसलिए दिया है कि प्राण जो है वही इन इंद्रियों को बेसिकली सब जगह है वैसे ही परमात्मा सभी में ही है कल बता रहा था ना सूर्य का जो शरीर है वो भी सूर्य नहीं जानता कैसा है वो भगवान के कंट्रोल में है यू नो सूर्य के साथ भी देवताओं के साथ भी आपके साथ भी है तो वासुदेव सर्वमिति इस प्रकार से वो समझा गया है हा? और ग्यारहवें अध्याय के 40वें श्लोक में भी आता है कहा गया है सर्वम समाप्नोसी ततोसी सर्वहा यू कवर एवरीथिंग एंड देयरफॉर यू आर एवरीथिंग हरे कृष्णा यू आर एवरीथिंग का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ वासुदेव है कोई कभी कभी लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि भगवान तो ये भी भगवान ही है ये भी भगवान ना ना ना, ना। ये भगवान की शक्तियां हैं और शक्तियां भगवान से भिन्न नहीं है तो इसलिए भगवान है फिर भी पर्सन पर्सन है बात समझो ठीक है ये भेद नहीं समझेगा तो फंस जाएगा आदमी ठीक है यहां पे कहा गया है अब जो है अगले श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक 30वें नहीं 26वें श्लोक तक 26 नहीं 25 तक 21, 22, 23 में भगवान जो है वो उनकी बात करेंगे जो पहले सकाम में थे ना उनका प्रॉब्लम क्या है कि उनमें भी कुछ लोग कभी कभी देवताओं के चक्कर में फंस जाते हैं और वो यहां पे कम ध्यान देते हैं लेकिन वो ये जान जाएंगे अगर कि वो देवताओं के पास भी जो जाते हैं तो उनकी जो श्रद्धा बनती है वो भी बनाने वाले कौन है भगवान मैं हूं भगवान कहते वो कौन है मैं हूं मतलब वो जो देवता का तुम जाके मांगते हो ना तो वो परमात्मा है उनके हृदय में वही उनको गाइड कर दे इसको दो तब वो देते हैं बात समझे क्या देवताओं के अंदर जो तो कह रहे तुम जो देवताओं के पास भी जा रहे हो तो ये याद रखना वहां भी कौन है वो मैं और जो अव्यक्तवादी हैं तो कह रहे जो अव्यक्तवादी हैं वो भी भटक जाते हैं तो ऐसे अव्यक्तवादी जो मुझे पुरुष के रूप में नहीं मानते तो फिर मैं भी क्या करता हूं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतहा मैं उसको योग माया से ढक देता हूं जैसे हमारा कोई गाड़ी खराब है तो हम उसको पड़े से ढक देते हैं भाई बारिश से खराब ना कम से कम जैसा है वैसा रहो बाद में देखा जाएगा वैसे भगवान बोलते ठीक है तुम मुझे व्यक्ति के रूप में नहीं जानना चाहते तो योग माया से उसको आवरण कर देंगे वो खुलेगा कैसे आवरण किस कैसे खुलेगा भगवान की शरण भक्ति करनी हाँ जब वो इच्छा करेगा कि मुझे भगवान को व्यक्ति रूप में जानना है तब वो खुलेगा ऐसे बहुत कर्मठ लोग होते हैं साकार नहीं मानते तो भगवान बोले ठीक है ले ढक ले तो ये 5 श्लोक है ठीक है अगर लोग 5 श्लोक पढ़ते हैं तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा बाकी वो है वही उसके तात्पर्य आप लोग वैसे भी आराम से पढ़ सकते हैं तो ऐसे कोई टफ नहीं है ये कहा गया है 20वां श्लोक है क्यों क्यों उसके पास जाते हैं तो काम से जाते हैं इच्छा से काम प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम प्रकृत्यान्यता जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं तो क्या है क्योंकि उनकी इच्छा यहाँ पे प्रबल होने लगती है तो कभी कभी मुझे छोड़ के वो देवताओं के फिर लेकिन वो ये नहीं जानते क्या 21वां खोलिए यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम् मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह विशेष देवता की भक्ति कर सके मतलब उस देवता के प्रति श्रद्धा भी कौन देता है हाँ जैसे किसी को ऐसा कहा गया कि किसी को अच्छा ज्ञान चाहिए तो सरस्वती जी हैं किसी को क्या उसको रोग से बचना है तो सूर्य देवता का उपासना कर सकता है इसलिए देखो सूर्य देवता थोड़े गायब होते हैं ना सब बीमारी गिरने चलो देते हैं हाँ अगर किसी को सुंदर पत्नी चाहिए तो पार्वती का आप उपासना कर सकते हैं हाँ तो ये ऐसा है लेकिन यहाँ कहा गया है कि देव भगवान ही उनके हृदय में देवताओं के होते हैं क्योंकि देवता जो है वो भगवान के अंग है
वो अलग नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। हम लोग ये गलती क्या कर देते हैं कि अरे इनको नारियल नहीं फोड़ा तो कोई नाराज तो नहीं हो जाएंगे हनुमान जी। हाइट ये है, अज्ञान इतना भर रहा है कि एक आदमी बोला कि नहीं हनुमान जी अलग है राम अलग है, हम बोले भाई जूते से मार खाएगा, उनको अकल ही नहीं है। उन लोग तो हनुमान जी को फोड़ेंगे तो मुझे ये मिलेगा, तो ये स्वार्थी लोग होते हैं ना, ये सब तोड़ते हैं, इनको ज्ञान कम होता है। ठीक है, फिर जो कर्मकांडी है, हाँ तो मतलब जो कर्म कांड रहे हो तो कर रहे हैं वो अलग है। हाँ कहीं ना कहीं तो फिर वो भगवान ही उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हाँ हाँ, देखो एक बार कोई भी नास्तिक भी है कोई भी, उसको भी भगवान ही खिला पिला रहे, भगवान हमेशा सबके साथ है। वो सिर्फ तुम्हारा अज्ञान है जो तुमको अलग अलग धारणाओं से अलग अलग स्थितियों में डाल रहा है। तो यहाँ अगर हम भी देवता के पास जाते हैं तो हमको ये अकल होना चाहिए कि ये देवता इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं दे सकते, ये भगवान की इच्छा से देते हैं, तो ये इनको अभिन्न नहीं देखना चाहिए और इनको एक भी नहीं समझना चाहिए। दूसरा अपराध है ना, हम टू कंसिडर द नेम्स ऑफ लॉर्ड शिव और ब्रह्मा टू बी इक्वल टू और इंडिपेंडेंट ऑफ नेम्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, समान या उनको अलग दोनों भी नहीं समझना चाहिए क्योंकि वो कनेक्टेड हैं। अब समझे, लाइक ये खिड़की का, खिड़की जो है ये रूम है लेकिन ये रूम नहीं भी है, बात समझे। अब खिड़की पे बैठ नहीं सकते लेकिन ये रूम है क्योंकि रूम का भाग है। वैसे देवता भगवान के इस क्रिएशन का एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, तो आप जाते हो तो वो दे देते हैं ऐसा। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं श्रद्धा मैं ही देता हूं, फिर वो कह रहे हैं 21 हो गया ना 22, फिर वो कहते हैं स्वतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनम् इहते लभते च ततः कामान् अन्ये कामान् मय्येव विहितान् हितान्। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। तो वो जो लाभ मिलता भी उसको देवताओं से, वो कौन देता है? भगवान कह रहा मैं देता हूं, लेकिन वो क्रेडिट किसको दे जाता है? इन लोगों को। बोलते कोई बात नहीं, कम से कम तू मेरे जोन में आ गया है, बाकी हम तेरे को देख लेंगे। तो ये कह रहे हैं भगवान, तो इसलिए हमको क्या समझना चाहिए कि देवता जो, अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या है कि देवता जो आपको वो देते भी वरदान, वो कितना दिन टिकेगा? थोड़ी देर के लिए, फिर और भगवान देंगे वो कैसा रहेगा? शाश्वत रहेगा। अच्छा देवताओं से तुम्हारी वो संबंध बन भी जाएगा तो कितने समय के लिए? बाद में उपद है निकल जाएगा, 36,000 साल उनका उम्र रहता है हमारे हिसाब से, खत्म। उसके बाद क्या करेगा तू? कुछ नहीं, खत्म। भगवान के साथ संबंध बन गया तो हमेशा के लिए, और देवताओं के लोक में चला भी गया तो गिरेगा, और भगवान के लोक में चला गया तो एंजॉय। ठीक है, 2300 खोलिए। अंतवंतु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। कि क्या कहा गया, इसका अर्थ है अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति, इनको अल्प बुद्धि वाला क्यों कहा गया है? हाँ, मूल को छोड़ के वो शाखाओं को पकड़ रहे हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं, पागल नहीं है ये लोग, अनाड़ी नहीं है, देवताओं के पास गए मतलब बुद्धिमान है, परंतु ये लोग कम बुद्धिमान है। हाँ अल्प बुद्धि है, थोड़ा कम बुद्धि, इनको समझ नहीं रहे, थोड़ा और आगे जाएंगे तो और मिलेगा। अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं, क्योंकि वो क्षणिक फल मिल रहा है ना, आप थोड़ा परमानेंट की तरफ जाओ। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं और मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। सालुक्य के पता चल गया, तो पहले तीन जो थे कौन से श्लोक के? 16 वाले श्लोक के जो तीन थे, ज्ञानी छोड़ के, ज्ञानी नहीं जिज्ञासु छोड़ के, ज्ञानी छोड़ के आर्तो अर्थार्थी और जिज्ञासु, ये तीनों इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो अब जो है, अब अगले जो श्लोक है उसमें भगवान दो श्लोकों में बताने वाले हैं कि अब वो अव्यक्तवादी के साथ क्या करते हैं, ये अव्यक्तवादियों का क्या प्रॉब्लम है, जो अव्यक्तवादी हैं इनका प्रॉब्लम क्या है। वो कह रहे हैं अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम।
वो कह रहे हैं बुद्धिहीन मनुष्य, अभी वो अल्प बुद्धि वाले और ये तो टोटल बुद्धिहीन ही है, क्योंकि कम से कम वो जो देवता वाले हैं वो मुझे पुरुष व्यक्ति मानते हैं परंतु मेरी उपासना नहीं करते, ये तो मेरे नाम पे मेरे को ही गायब कर देते, बोलते कि मैं मनुष्य से नहीं, मैं अव्यक्त से आया हूँ, ये लो। तो इसको बोलते बुद्धिहीन है। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि भगवान कृष्ण यानी मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरे अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते। तो यहाँ पे वो कहा गया है और इस प्रकार से वो फंस जाते हैं। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं भगवान को, नहीं प्रभु जी हमको अभी टाइम नहीं है, बाद में सोचो। तो नहीं हमको ये खत्म कर देना है थोड़ा सा, अब हमारी गति को अगर नहीं समझ रहे तो ठीक है, मैं घड़ी और श्लोक देख रहा हूँ, आपसे बाद में बात करूंगा। तो पूछ लीजिए। हाँ वो तो है, एक बार भगवान को अल्प ज्ञान नहीं है, वो तो महाज्ञान है, भगवान को समझ लेगा तो नहीं छोड़ेगा, ये महाज्ञान है। अल्प ज्ञान तो वो हो गया कि मैंने जो गीता से दूर है उसको वो अल्प ज्ञान ही हो गया बस। तो अब ऐसा है कि बुद्धिहीन मनुष्य, हाँ बुद्धिहीन मनुष्य जो है वो क्या कर रहा है, भगवान को एक साधारण मनुष्य समझ रहा है, जैसे देवकी का पुत्र था, अरे बड़ा मायावी था, ऐसे समझना। तो वो कह रहे हैं और एक नौवें अध्याय के 11वें श्लोक में भी आता है, क्या आता है, अब जानन्ति मां मूढ़ां मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम। मैं इतना बड़ा हूं लेकिन मुझे क्या जानते हैं, मानुषीं तनुमाश्रितं, सीधा सिंपल मनुष्य समझते, ये इनके अज्ञान का प्रदर्शन है। तो 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 29वें श्लोक में आता है कि आपको अगर जानना है तो आपके ही माध्यम से जाना जा सकता है। ईश्वर कौन बताएगा ईश्वर के बारे में, ईश्वर स्वयं बताएंगे तभी होगा। तो कृपा किसकी चाहिए, तो हमें यहाँ पे कृपा याचना करनी चाहिए कि आप ही अपने आप को बताइए। और हम लोग इधर है ना, अगर तीन गुणों से हमको परे जाना है तो तीन गुणों का ऐसा कोई कार्य करना होगा जो तीन गुणों से परे है, ऐसा कोई एब्सोल्यूट काम करना होगा। तो क्या एब्सोल्यूट काम कर सकते हैं हम, ये नाम क्या है तीनों गुणों से परे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये उसका अर्थ है, ठीक है। तो बाकी तो टेंशन नहीं है, बाकी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, तो आप उधर से भी पढ़ सकते हैं। जैसे विष्णु पुराण में कहा गया है 6.5.84 में, अनंत कल्याण गुणात्मको सौ, ही इज एंडोड विद इनफाइनाइट ऑस्पिशियस क्वालिटीज। महाभारत में आता है, ओ बृहस्पति ही कैन नॉट बी सीन बाय यू और अस, बट दैट पर्सन टू हुम ही गिव्स मर्सी कैन सी हिम। अरे बृहस्पति वो आप और मेरे से नहीं दिखेंगे, जब आप वो अपनी कृपा करेंगे तो आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रेफरेंस मैं मेरे नोट्स में आपको भेज दूंगा। हाँ जो ऑनलाइन पढ़ रहे रजिस्टर्ड नहीं है, आप कृपया करके 9142217354 पे व्हाट्सएप कर दीजिए रिक्वेस्ट, तो आपको अभी नहीं आएगा ये नोट्स, अभी स्कैन नहीं हुआ है, अभी परेशान मत करिए, जब सबको जाएगा तो बाद में हम आपको भेज देंगे। हरे कृष्ण। तो भगवान कहते हैं ऐसे जो व्यक्ति हैं जो मुझे क्या मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, तो मैं उनकी ज्ञान को ढक देता हूँ। तो ये श्लोक आता है 25वां, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञानों अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, मैं उनको ढक देता हूँ। योग माया समावृत। तो भगवान की दो शक्तियां हैं, महामाया और योग माया। योग माया होती है जो आपको भ्रम में नहीं डालती, मतलब भौतिक भ्रम नहीं होता वो आपकी उतनी लेवल नहीं तो उधर वो आपको कवर कर देती है। जैसे आप वात्सल्य भाव में नहीं हो तो भगवान की वात्सल्य भावना की शक्ति आपकी कट जाती है, तो आप सखा के रूप में उनको देखते हो। अब यशोदा जो थी वो क्या है, वात्सल्य भाव में थी, तो वो साखी रूप में या इसमें नहीं देखती थी ऐश्वर्य रूप में, हाँ मेरे प्रभु है नारायण है मेरा बेटा, नहीं मुखर मुखर क्यों खाया, हाँ कौन सी खाया, बाकी योग माया उसको आवरण कर गई। आज जब मुंह खोल के ब्रह्मांड देख ले तो चक्कर आके गिर गई, बोले कौन है, जब गिर गई उठ के वापिस जानने लगी और भूल गई मेरा बेटा ब्रह्मांड देखा था। ये शक्ति क्या है, योग माया। भगवान कहते हैं मैं ये जो है, ऐसा नहीं कि ये लोग वो है,
परंतु फिर मैं इनको क्या कर देता हूँ, उतना ही है तो योग माया से इनको ढक्के रख दो, ढक्कन में अब बैठे रहे अंदर में, जुलता नए नए प्रभु देखना है, हाँ पीला जवाहर। और भगवान वैसे देशी ने ऐसा बोला क्या तू, एक टाइम ऐसा बोला क्या मेरे को, मैं अब तेरे को हमेशा के लिए ढक दूंगा, नहीं ऐसा नहीं, भगवान बहुत दयालु है। ये हम लोगों को सीखना चाहिए जीवों को भगवान से, भगवान गुस्सा हमेशा परमानेंट नहीं रखते, मेरे और ऐसा बोला ठीक है, हंस देते हो, बोले तभी तू अनाड़ी था, अब तू ज्ञानी हो गया, आ जाओ ऐसा है, ठीक है। फिर अब जो है, और इसका जो प्रमाण है कि भगवान जो है, हाँ कुंती महारानी का यहाँ पे बात आता है, और यहाँ पे एक श्लोक भी आता है जिसमें कहा गया है कि माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो यथा। आपके इसमें कोटेड है? नहीं, वो कुंती महारानी की प्रार्थना है, जहाँ कहती प्रभु आपने कैसा बना के रख दिया है माया जाल, माया जवनिका छन्नम अज्ञ अधोक्षजम अव्ययम, आप दिखते नहीं हो, और न लक्ष्य से मूढ़दृशा, मूढ़ का आपको नहीं समझ पाता है, नटो नाट्य धरो यथा, यहां आते हो तो नाटक करके निकल जाते हो। श्लोक नंबर दिया है, श्लोक है ना, हाँ 1.8.19 है। हाँ आप जो है आवरण में आवरण कर देते हो, और सबको लगता है कि एक नॉर्मल प्लेयर हो हम लोग की तरह, लेकिन आप वो नहीं, नहीं हो, आप कौन हो। उसके पहले वाले श्लोक में 18 में बोलते हैं कुंती महारानी, नमस्ते पुरुषम तो आद्यम ईश्वर प्रकृति परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम, अरे अंदर भी हो बाहर भी तुम ही हो, तुम्हें हे पुरुषम आद्यम, आप आदि पुरुष हो ये लोग नहीं जानते, मैं जानती हूँ। तो कुंती बोलती थी तुम बोलोगे मैं बुआ हूँ, लेकिन मैं बुआ नहीं, मैं तुम्हारी भक्त बनना चाहती, मैं तुम्हारी भक्ति मेरे को रखो, तुम ये बुआ वो बोल के मेरे को एड़ा मत बनाओ हाँ तो ऐसा मेरे को शरणागत रखो, ये भाव है। तो स्पेशली जब शिशुपाल ने वो चलाया था ना, तो प्रभात बोलते हैं जब शिशुपाल ने, शिशुपाल ने भगवान ने चला, उसे पहले शिशुपाल गाली दे रहा था ना बहुत, कि कैसे क्या इसको पूरे इसका वो बनाया गया है एक फेस्टिवल का वो हेड, तो बोले तब भीष्म बोलते हैं तुम नहीं जानते, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड। तो बोले भीष्म जानते थे, ऐसे नहीं कि कोई नहीं जानता था, तो जो डिवोटी है वो जानते थे, जो डिवोटी नहीं है वो नहीं जानते थे। समझ में आया? मतलब आप अगर भगवान की भक्ति कर रहे हो और इच्छा भगवान के प्रति आपने द्वेष हटा दिया, श्रद्धा आ गया, भगवान आपको सब दिखा देंगे, और नहीं आए तो ऐसा। हाँ जैसे ईशोपनिषद भी मंत्र 15 में क्या आता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापेतमुखं तत्त्वभूषण बावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हाँ हे प्रभु आपके चेहरे पर से वो तेज हटाइए, मुझे दर्शन लेना है, ठीक है। और फिर ब्रह्मा जी के प्रार्थना वगैरह हैं, वो सब आप 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में आता है, ओ सुपर सोल मास्टर ऑफ ऑल मिस्ट्री हु कैन कैलकुलेट योर पोटेंसी एंड पास्ट टाइम्स इन दिस वर्ल्ड, आपके गणितों को कौन समझ सकता है। तो ये आएगा, अभी हमारा आज का टाइम खत्म हो गया है, तो हम लोग 26, 27, 28, 29, 30 जो है ये अभी मोक्ष काम की जो बात होने वाली है उनका बात यहाँ पे आने वाला है। अभी तो ये बोलेंगे कि ऐसा हाल सभी जीवों का, ये प्रकृति में हाल क्यों है, तो वो अगले 2-3 श्लोकों में बोलेंगे, और लास्ट के 2 श्लोकों में मोक्ष काम वालों की बात करेंगे, और उनको क्या समझता है जिसके वजह से वो ये मुक्त हो जाते हैं वो बताएंगे। उसके ऊपर जो वो शब्द वहां इस्तेमाल करेंगे अर्जुन भगवान, जो शब्द इस्तेमाल करेंगे ना, कौन सा आदि दैव, हाँ आदि वो क्या बोलते उसको, कर्म ब्रह्म, तो वो फिर अर्जुन 8वें में पहले अध्याय में वही पूछने वाले। देखो तो 8वें में क्या पूछ रहे हैं अर्जुन, पहला श्लोक रुको रुको मेरे खोल ले दो, ब्रह्म क्या है, रुको ना, हाँ वो कह रहे हैं किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते, 4-5 सवाल है इधर अर्जुन के। ये जो तुमने लास्ट के 2 श्लोक में बोल दिया क्या क्या, तुमने बोला मोक्ष वाले को ये समझ जाता है, हाँ ओके क्या 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 समझ, तो पूरा 8वां अध्याय भगवान ने या अच्छा हुआ पर भगवान भी कितने छाने ना, ऐसे वर्ड डाल देते ना, वो पूछे क्या 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 भगवान लेक्चर लंबा चलाना चाहते कभी कभी, ठीक है। तो इसका जो 8वां अध्याय फिर हम लोग कल देखेंगे, कल हम लोग ये 4-5 श्लोक तो 1-15 मिनट में हो जाएगा, और फिर हम लोग ये जो सब्जेक्ट 8वां सब्जेक्ट है वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, शिल प्रभुपाद की जय।